मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9017-01 पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एर्नाकुलम से कुवई आने वाली गाड़ी 264 अभी पहुंची है। कुछ ही वक्त में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। धन्यवाद। पैसेंजर योर अटेंशन प्लीज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एर्नाकुलम से कुवई आने वाली गाड़ी 264 अभी पहुंची है। हेलो, हाँ पुणे में हो? अच्छा प्रकाश है क्या? अरे एर्नाकुलम अभी तक पहुँचा नहीं। अरे कैंसिल करने के लिए क्यों बोल रहे हो? अगर पहले बता दिए होते तो टिकट में किसी और को दे दिया होता ना। गाड़ी निकलते वक्त अगर बताओगे तो क्या करूंगा मैं? बाद में फोन करके बताता हूँ। वैसे भी स्क्वाड आने का दिन है, टिकट कैंसिल करने की बात करोगे तो मेरी जॉब चली जाएगी। कुल मिलाकर 9 टिकट है, समझे? ओके, तुम जाओ, मैं वहाँ पहुँच कर तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ। पैसेंजर्स आर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 2624 टू चेन्नई। कुंजन भाई को देखो, वो अभी फोन पर बात ही कर रहा था, शायद कार्ड वालों की खबर सुन के भाग गया होगा। पैसेंजर्स योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 2624 त्रिवेंद्रम चेन्नई एक्सप्रेस जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। भाई अपने कुंजम भाई को? नहीं, कुंजम भाई को नहीं देखा। क्या एक लोकल कॉल कर सकता हूँ? हाँ कर लो। हेलो कुंजम भाई, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ, आप किधर हो? अरे मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, टिकट मिल गई है ना? अरे टिकट देने वाला मेरे बाप की बिरादरी का है क्या? 1 घंटे पहले बोलोगे तो टिकट कैसे तैयार मिलेगा? बहुत टाइट है। अरे कुंजम भाई, आज मुझे किसी भी तरह निकलना है। हाँ तो फिर मैं तुम्हें सर में बिठाकर चेन्नई पहुँचा देता हूँ। अरे मजाक करने का वक्त नहीं है, गाड़ी अभी आ जाएगी। आप कहाँ हो? बहुत दूर हूँ, टिकट की बहुत मारामारी चल रही है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे आप ही तो टिकट देने वाले थे ना। अभी किधर हो बताओ? हिल स्टेशन के बगल में जो प्लेटफॉर्म है वहाँ बुक स्टॉल के पास खड़ा हूँ। अरे उसी के बगल में तो मैं खड़ा हूँ, कहाँ हो? आप तो यही हैं। वैसे सर ने टिकट कैंसिल कर दिया है, वो नहीं जा रहे हैं, चाहिए तो वो टिकट तुमको देता हूँ। दूसरी टिकट मुझे दोगे? ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब आखिरी वक्त पर टिकट के लिए बोलोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? पुलिस पकड़ लेगी तो? अरे इतना ही डर है तो मत लो टिकट। अरे कुंजम भाई, अरे सुनिए तो, अरे 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 टीटी ने मुझे बीवी के बारे में पूछा तो? अगर बीवी के लिए पूछे तो बोलना कि ड्राइवर के साथ भाग गई। और अगर तुम्हें टिकट चाहिए तो 2500 रुपए दो, फर्स्ट क्लास का कोच है। सुनो अगर बाकी लोगों में से कोई नहीं जा रहा है तो तुम टिकट वापस कर देना, जिन्हें जाने के बाद तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? ये लो, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं रोज 50-100 लोगों को भेजता हूँ। गाड़ी आ गई, लाओ 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 लाओ, अंदर बहुत भीड़ होगी, संभल कर जाना। हाँ हाँ लो लो लाओ। हेलो प्रकाश सर, आपका टिकट मैंने बहुत मुश्किल से कैंसिल कर दिया, मुझे कुछ कमीशन मिलेगा ना? सुनिए और भी कोई टिकट कैंसिल करवाना हो तो बताइएगा मुझे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, एर्नाकुलम से चेन्नई जाने वाली गाड़ी नंबर 264 प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। अरे जल्दी आओ, कहाँ जाना है? हाँ, मेरे पीछे आओ। इधर? हाँ चलो चलो चलो। दे दो सर। वो बीवी का टिकट जो बोला था ना, वो कैंसिल मत करना, इसे बीवी समझ के बिठा दो। ये लड़की आपको 1500 रुपए देगी, ठीक है? मुझे और मुसीबत में मत डालो कुंजम भाई, किसी और की बीवी को अपनी बीवी कैसे बोल सकता हूँ मैं? अरे खुद की बीवी को भी कोई बीवी बोलता है क्या? टीटी को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, अरे इतना जीवन हमने भी देखा है। तो सही, झूठ बोल देना। सुनो तो। अरे बोल देना झूठ। अरे कुंजम भाई मेरी बात तो सुनो। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक से जाओ, टाटा भाई। ये इस तरह से टिकट लेने की यही परेशानी होती है। ए लड़की मेरी बात सुनोगी? थोड़ा बाहर आ जाओ ना। टीटी आपको लेडीज कंपार्टमेंट में सीट तो दिलाई देगा,
एक साथ रहने से खामखा रात को हमें परेशानी हो सकती है ना। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? ये भगवान ही कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। मैं कुंवारा लड़का हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, एक कुंवारी लड़की के साथ एक ही डिब्बे में। मेरी शादी के बारे में बात चल रही है अभी, तुम मेरी बात सुनोगे? चली जाओ यहाँ से। तुम ही क्यों नहीं चले जाते है? नहीं तो एक काम करो, टिकट मेरे हाथ में दो और चेन खींचो, ट्रेन से उधर जाओ। अरे ये कौन सी बात है, गाड़ी में तो पहले मैं चढ़ा था। उसका क्या फायदा है, तुम्हारे नाम का भी तो टिकट नहीं है ना। ये लो जो पैसे बोले थे। इमरजेंसी के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है, मेरी माँ बाथरूम में फिसल गई है, फोन आया इसलिए तुरंत जा रहा हूँ। आप, मैं टिकट खरीदने गया तो टिकट अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिली ही नहीं टिकट। सर सर आप अब तक आए नहीं, यही मैं सोच रहा था क्यों नहीं आए। ये नहीं मेरी टिकट, हमारी मिस्टर एंड मिसेस प्रभाकर। सॉरी गलती से मैंने अपने भाई का नाम बता दिया, मेरा नाम है मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। वैसे ये टिकट हम दोनों ने मिलकर बुक की है। कोई शक तो नहीं है ना आपको? क्यों मतलब कितने लोग ब्लैक टिकट में यात्रा करते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने। ये मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश कभी ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे? मैंने तो कुछ बोला नहीं। सर ये तो आपका बहुत बड़ा दिल है ना, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है ना। अरे बाप रे, फिलहाल तो हम बच गए, ये टीटी के सामने ड्रामा करना ही पड़ा। आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप चुपचाप कोने में बैठी थी। नोबेल किताब लग रही है, किताब देख के मेरा भी मन करता है पढ़ने का। वैसे कोई दूसरी किताब है क्या? नहीं है, कुछ पढ़ने के बाद ही मुझे नींद आती है। चेन्नई में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी माँ का फोन आया था और कहा रामू मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई हूँ, ऐसा कहकर रोने लगी। अब इस जल्दबाजी में मैं किताब कहाँ से खरीदता बताओ। अरे बापरे, टीटी ने कहीं सुन तो नहीं लिया कि मेरा नाम राम है? वैसे ही मेरा पूरा नाम रामानुज है, मेरे पिताजी रामानुज के बारे में बहुत बड़े भाषण देते थे, इसलिए मेरा नाम रामानुज रख दिया, लेकिन मैं भाषण देने में माहिर नहीं हूँ, ये सब मैंने सीखा नहीं। वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और इसलिए मैं 3-स्टार बिल्डर्स के साथ काम करता हूँ। वैसे आप मद्रास में पढ़ती है या काम करती है? ओह पढ़ती होंगी, अच्छी बात है। भले ही मेरा नाम रामानुज है लेकिन मेरे करीबी दोस्त मुझे रामकुमार बुलाते हैं, तुम भी ऐसे बुला सकती हो। किस लिए? अरे कभी जरूरत पड़े तो बुला सकती हो ना। अब तक तो नहीं पड़ी। हाँ सही बात है, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। इधर दो, मैं खोल देता हूं। अरे बाप रे। ठीक है चिकन करी है ना? वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चपाती के साथ चिकन करी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और वो भी खास करके ट्रेन के सफर में। अरे खा लो खा लो खा लो, मैं घर से खाकर आ चुका हूँ।
अरे मेरी वाइफ चिकन करी लाई थी, वो मेरे ऊपर गिर गई। वो चपाती और चिकन करी खा रही है। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैंने दूध और फल लाया है। आइए आप जाइए, आपने मुझे पहचाना नहीं ना। अरे बगल के डिब्बे में मिस्टर प्रकाश, टीटी ने अभी टिकट चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी बीवी है जो अभी खाना खा रही है, मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। आप जाइए हाथ धोइए। मिस्टर एंड मिसेस KLU, इसका मतलब मिस्टर एल लोअर बर्थ और मिस्टर यू अपर बर्थ। आप आराम से सो जाओ, लेकिन मैं टिटी को संभाल लूंगा। वैसे ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम है क्या? अरे अरे नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैं हेल्प कर लेता हूँ आपकी। सर दरवाजा बंद नहीं किया? आजकल चोर लोग बहुत घूमते हैं। नहीं, हम लोग लाइट ऑफ नहीं करते, घर में भी ऐसे ही होता है। फिर चोरी होने के बाद मत बोलना। हेलो, ऐसे खराटे ले रहे हो, मेरी नींद खराब हो रही है। सॉरी, यही मेरी परेशानी है, जैसे ही आग बंद हो जाती है खराटे शुरू हो जाते हैं। तुम सो जाओ, आगे से नहीं होगा। अरे सुनिए, वैसे मैं आपका नाम भूल गया। मैंने बताया ही नहीं। वैसे ये हुई ना बात। सफर कैसा होता है तुम्हें इस गाड़ी में सफर करके पता चली गया होगा। वैसे बाथरूम में कौन गिर गया था? उसे छोड़ो। वैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? अरे जा रहे, हम लोग उठा लेंगे। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई। हाँ। उसमें इतना घबराने की कोई अरे बात। ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें देखना चाहती है तो बाथरूम में फिसल के गिर जाती है, लेकिन मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे मुर्गे को पानी कौन पिलाएगा, गाय को कौन संभालेगा, घर के काम कौन करेगा, यही सब। अरे माँ को सब बेचने के लिए कहो, अगर ऐसे ही ब्लैक में रेलवे का टिकट खरीदे ना तो पूरे महीने की सैलरी खत्म हो जाएगी।
वैसे तुम आज कैसे फ्री हो? हमेशा तो बिजी रहते हो। अरे मेरे मुंह से मत निकलवाओ, आज मैंने स्टूडेंट्स लोगों को 11 बजे का वक्त दे दिया है और ऊपर से मेरे पास गाड़ी है, तो खुद गाड़ी लेकर तुम्हें पहले फ्लैट में छोड़ूंगा, फिर मुझे किराया भी तो मिलेगा ना। अरे ये हुई ना बात, तुम्हारी अकल को मानना पड़ेगा, मुझे कार नहीं चाहिए, मैं ऑटो पकड़ के निकल जाऊं। अरे इतना टेंशन मत लो, ऑटो छोड़ो, कार में जाएंगे ना। वैसे राम, अभी 70 की उम्र के लोग भी मेरे स्टूडेंट बन रहे हैं। कुछ लोग अपनी बीवी को साइड में रखकर गाड़ी सीखना चाहते हैं, हर टेंशन को छोड़कर सबके सब कार ही खरीदना चाहते हैं। देख रहे हो ना शहर में कितनी भीड़ है। अरे इस उम्र में उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा क्या? अरे मिले या ना मिले उससे मुझे क्या, मेरा काम तो केवल गाड़ी सिखाना है, बस उसी का फायदा उठाता हूँ मैं। 5 साल तक गाड़ी सिखाता हूँ, पहले साल में गियर, दूसरे साल में ब्रेक, तीसरे साल में स्टीयरिंग, ये सब प्लान कर रहे हो। अरे उस आदमी को कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। राम कुमार के हाथ से बनी हुई एकदम बढ़िया इलायची चाय पीनी है तो ऊपर आ जाओ। मुझे ना गाड़ी की मरम पट्टी करवानी है, तो जो तुम ऑटो का पैसा दे रहे थे वो मुझे दे दो, मैं बाहर ही चाय पी लूंगा। क्या हुआ? वो पैसे मैं बाद में देता हूँ, अभी मेरे हाथ में सिर्फ 1,500। अच्छा ये बात है। सब्जी लो, सब्जी 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 लो, सब्जी हरी सब्जी। अरे वो सब्जी वाली, अरे रुको, कैसे दे रहे हो सब्जी? कितने का है? 2 रुपए की गड्डी। कल तो इतना सस्ता दे रही थी, आज इतना महंगा। हेलो रामू। क्या बात है, जल्दी आ गए? अम्मा बाथरूम से गिरी थी, ठीक हो गई क्या? अरे गिरी थी दादी, लेकिन अभी ठीक है। सर उसे दबाने से कोई फायदा नहीं है। अरे शनिवार को लिफ्ट ठीक हो जाएगी, ऐसे सेक्रेटरी ने कहा था। मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। आजकल लोग कामकाज पर ध्यान क्यों नहीं देते? लिफ्ट जब बंद होगी तब हम देखेंगे उसको। हाँ। वैसे राम सर, वो फिल्म हाथ से निकल गई। कौन सी फिल्म? वो मलयालम फिल्म में एक मुझे एक्टिंग का चांस मिला था ना। मैं सब मामला फिट करके आया था, डायरेक्टर ने जब मेरा नाम पूछा तो मैंने बोला पीके नाम बिहार। उसने मेरा चेहरा देखा, मेरा चेहरा एक्टिंग लाइक है ना, पता नहीं मुझे क्यों निकाल दिया। मेरी किस्मत में ही नहीं है कोड़े सर के साथ। अरे घोड़े पीके नामबियार के साथ कितनी बार बीडी पिया करता था, ऐसा इस बारे में हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। अच्छा अगर इस बारे में और बात करोगे तो मेरा ऑफिस का टाइम निकल जाएगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून। अरे यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम सारे फ्लैट्स में है, सिर्फ हमारे यहाँ फ्लैट में नहीं है। मिस्टर राम कम इन, वी हैव अ मीटिंग। ओके हाय सरदार जी। क्या संडे को एसोसिएशन का मीटिंग है, जरूर आना। मीटिंग? ओ मैडम पहले लिफ्ट तो ठीक करो, फिर मीटिंग मीटिंग दा सोचेंगे। मेरा तो दिमाग खराब कर देता है। एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग मी, व्हाट कैन आई डू? मैं के लिफ्ट मैकेनिक थोड़ी हूं। हाय अंकल। हाय पार्वती। अंकल एक बात बोलूं? क्या बात है? आई नो यू डोंट बिलीव मी बट मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? 5वें फ्लोर पे गोपाल अंकल है ना, उनके फ्लैट में ना G9 फ्लैट की शांति आंटी उनके घर के अंदर थी। क्या? मैंने अपने कान लगाकर सुना था, अंदर बहुत हंसी की आवाज आ रही थी। क्यों किसी के घर के दरवाजे पर कान लगा कर सुनती हो तुम? बहुत दिनों से चल रहा है अंकल। और एक बात बताओ, डी ब्लॉक में डॉक्टर अंकल की बेटी को जो ट्यूशन पढ़ाने आता है ना, कमल हसन की तरह दिखता है। उस आदमी को उस लड़की से प्यार हो गया है। पार्वती पिछली बार एग्जाम में तुम फेल हो चुकी थी, टीवी सीरियल नाच गाना इसके अलावा नाम के लिए भी तुम किताब को छूती नहीं हो। ऐसे तुम्हारी दादी बोल रही थी मुझे, वो झूठ तो नहीं बोल रही है ना? सुनो बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पास होने के बारे में सोचो। हे माँ, बकवास फिल्म।
नाम्बियार, एक चाय लेकर आना ऊपर। और सुनो, उस लड़के को अखबार डालने नहीं बोला था, फिर भी उसने ढेर सारे डाल दिए। और दूध खरीदने को बोला था, वो भी तुमने नहीं किया ठीक से। वो क्या है ना राम सर, दूध वाला आज साइकिल से गिर गया, इसलिए नहीं आया। झूठ, एकदम झूठ बोल रहे हो तुम। सिनेमा एक्टर बनने के पीछे पड़े हो ना तुम, ये सब करने के लिए वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? जल्दी भेजो ऊपर चाय। और गैस एजेंसी का नंबर भी देना मुझे, उसको फोन करके जल्दी से सिलेंडर भिजवाना, उतना ही बस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। सेवेंथ फ्लोर। ये दुनिया भी अजीब है ना, इस तरह लोग फिर से मिल जाते हैं। क्या कल ट्रेन में और आज लिफ्ट में? सेवन फ्लोर में कहाँ पे? अच्छा वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, मैंने तो अब तक नहीं देखा तुम्हें। मैं तो बगल में ही काम करता हूँ, बगल में ही मेरी ऑफिस है। कैसे देखोगे आप मुझे, आज ही तो ज्वाइन किया है मैंने। इज इट? फिर मैं एक बात बोलूं, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ। तुम मुझसे मिलकर आज काम पर जाने वाली हो, तुम बहुत बड़ी किस्मत वाली हो। थैंक यू वेरी मच। ओह सॉरी, ये मैं मजे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वकील जो काम करता है, मेरा मामा नारायण मुझे देखकर ही कोर्ट में जाता है। हारने वाला केस भी वो जीत जाता है उस दिन, जिस दिन वो मुझे देखकर जाता है। मुझे देखकर जो भी लॉटरी टिकट खरीदता है वो तो 5 करोड़ जीत ही जाता है। अरे 100% तुम मुझे देखकर जा रही हो, तुम बहुत बड़ी किस्मत वाली हो। ए भगवान, ये क्या हो गया? तुम डरो मत, मैं साथ में हूं ना तुम्हारे। देख कभी ये लिफ्ट खराब नहीं हुई, बिजली गई। ये बात है, फिर भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 3 जनरेटर है। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, ज्वाइन वाले दिन ही मैं लेट हो गई। टेंशन मत लो, तुमने मुझे देख लिया है ना। अरे राजेंद्र, हेलो। अरे मनोहर, कोई है क्या? हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं। अरे कोई लिफ्ट खोलेगा यार? हेलो, यहाँ लिफ्टमैन खुद मैकेनिक है। तो फिर कहाँ है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो हमको निकालो यहाँ से। ए वोड़ी बेल। अरे जब देखो लिफ्ट में कोई ना कोई फंस जाता कोई है। तो हाँ यार सही था। चिल्ला मत, हमारे राजेंद्र। मेन स्विच ऑफ कर दिया है ना? हाँ ऑफ कर दिया। प्लीज जल्दी आओ। अरे आ रहे, कोई तो आओ, कोई तो निकालो यहाँ से। अरे कहाँ चले गए सबके सब? हम धीरे से दरवाजा खोल के देखते चलो। हाँ मैं चढ़ता हूँ ऊपर। हे खोलो, तुम डरो मत, मैं बुला रहा हूँ मनोहर। ए राजेंद्र, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या पागल जैसा बेकार में चिल्ला रहे हो, टेंशन ले रहे हो, आ रहे हम लोग। अरे आ जाओ जल्दी, सांस फूल रही है हमारी। ए राजेंद्र। अरे सर चिल्लाओ मत, नाम खोल लेना, रुको ना। व्हाट हैपेंड? रिपेयर हो रही है, हम ऊपर जा रहे बस। अरे सांस फूल रही है, जल्दी करो राजेंद्र। खोल रहे रे, चिल्लाओ मत, गेट खोलो, खोलो दरवाजा। अरे अब हम ऊपर कैसे आएंगे? अरे सर जंप करके ऊपर आ जाओ। इट्स ऑलरेडी लेट फॉर मी, ओह माय गॉड। इन्हें पहले जाने दो, उन्हें ऊपर उठाओ सर। हाँ जी उठा के दो सर। दिस साइड, दिस साइड। ओह गॉड। एक काम करो, मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, वैसे डेली एक्सरसाइज करके मेरी बॉडी फिट रहेगी। ओह गुड आइडिया। बेन लिटिल मोर। ओके लिटिल मोर, लिटिल मोर। ओके हेमा, संभल कर मैडम। राजेंद्र बचाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवी। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग सर, हाउ इज योर मदर? ओह शी इज फाइन। सर किसी ने आपको चप्पल से मारा है क्या? क्यों? इधर पीछे चप्पल का निशान है। कहाँ? इधर पीछे, पीछे आपके पीछे, इधर। शिवम इधर थोड़ा पहुंच दो। सर पहुंचने से सब फैल जाएगा, आपको किसी ने मारा क्या? मुझे किसी ने नहीं मारा। तो चप्पल अनजाने में गिर गया क्या? तुम जाओ और चाय लेकर आओ, जाओ। चाय? ठीक। मिस्टर पन्नीसेल्वम। यस सर। डिड यू कॉल द इंजीनियर? मैंने कॉल कर दिया सर। डिड आई नॉट टेल यू अर्लियर? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर?
I want the plan by 2 p.m. today. Okay, sir. Mr. Ram Kumar, हाँ? Come to my cabin. Yes, sir. मुझे एक बात बताओ तुम. जब साइट पे काम होता है, तब तुम आकाश की तरफ देखते हो? सर, बिल्डिंग से ऊपर की ओर देखने पर आसमान भी दिखता है सर. तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. वेंटिलेशन के नीचे फ्रंट डेस्क की फैसिलिटी चाहिए, ऐसे मैंने बोला था ना? वो प्लान में नहीं है सर. प्लान चेंज करने की चॉइस मेरी है. सर, प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं होने, ऐसे आपने ही बोला था. तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? ये मजाक करने का टाइम नहीं है. ओके, देन यू गो टू अन्ना नगर. स्वामी के फ्लैट का एग्रीमेंट हो गया है, जाके टेस्ट करो और मुझे बताओ. ओके, आई विल गिव यू 2 weeks टाइम. प्लान, कॉस्ट, एवरीथिंग यू विल हैव टू अरेंज. ओके सर. एंड वन मोर थिंग, बीच बीच में जो गाँव जा रहे हो ना, उसे कम करो. वो क्या है माँ, बाथरूम में बकवास बंद करो. जो भी काम दिया ना, उसे वक्त पे खत्म करो. अंडरस्टैंड सर? कोर 300 और ले जाओ भैया, ले जाओ, बहुत सस्ता है. ले जाइए, बहुत सस्ता है. कोर 300 ले जाइए. 275 में दोगे क्या? ठीक है, 275 लाइए. कोई मछली का दाम नहीं पूछ रहा है, उसने क्या पूछा मालूम है? 275 रुपए दो कोट का. दो कोरिया 275 का. अगले हफ्ते आ जाओ. अगले हफ्ते आएंगे. हाँ ठीक है, 200 रुपए दूंगा एक कोट का. ठीक है, दाम बढ़ गया, 265 दे दो. 265 ले लो, चलो. अरे धंधा कर रहे हो, आगे पीछे सोच समझ कर दे दो. 225 रुपया. 225 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा. लाओ, जल्दी दे दो, नहीं तो ये 2000 बोल देगा. हाँ, छोटा छोटा नहीं, बड़ा दो. इतने में इतना ही मिलेगा सर. ये ले लो. 300 का कोर. 10-12 साल हो गए तमिलनाडु आकर मुझे. ऐसे मत करो बोल रहे हो, ये कहाँ की तमीज है, लेकिन फिर भी ऐसा है. अरे अभी 50 रुपए का नुकसान हो जाता, बड़ा इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है. ऐसा करो, मुझे चाबी दो, मैं गाड़ी चला लूं. और मास्टर, हाँ, परसों क्लास नहीं है ऐसा बोले थे, फिर भी आज देख लो ना. अच्छा, राम इनको पहचानते हो? ये भी मेरा नया स्टूडेंट है. मैं अरविंद हूँ. एक काम करो, कोई भी गाड़ी में चढ़ो, क्लच दबाओ और गियर डालकर सीखो. 1 2 3 4 4 3 2 1. एक हफ्ता ऐसा ही करते जाओ. ठीक है, 2 3 4. अरे ये नल्ला किधर है? 3 4 5 6. नल्ला, अगर मछली का सालन अच्छा बनाना है तो नल्ला को मत बुलाओ, मैं अच्छा बना लेता हूँ, तुम सालन देख लो. जो पिछले हफ्ते हुआ था वही ना. आज के मच्छी के सालन में कोई खास बात नहीं. क्या है? आग को निकाल कर इस तरह से काट काट कर फिर मिर्च डालकर अच्छे से उसको तेल में डुबाते हैं. अच्छी तरह से मैं सालन बना लेता हूँ, फिर तुम देख लेना. अरे तुम्हें बाहर से इतना आवाज दे रहा था, पुराना चावल तो खत्म हो गया ना? हाँ, खा लिया भाई. राम, इसके जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है ये. नल्ला, तुम चुटकुले सुनाते बैठो, मैं इसे काट कर ले आता हूं. ठीक है भाई. If you're not getting the house, give me money back. इज्जत से पैसा देने वाली हो या नहीं? Nothing doing. I'm not giving money anymore. क्या रे, क्या समझ रखा है? Oy, don't try to teach me. I'll call the police. तुम्हारे पसंद का घर नहीं मिला तो मेरी गलती नहीं है. मैं धूप में तुम्हारे साथ साथ कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पीछे ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे 200 रुपए दे रही हो. What are you thinking? वो लड़की मेरे साथ बिल्डिंग में काम कर रही है. चलो, चलकर देखते हैं. I'll call the police. नल्ला, ये मछली संभालो. तेरे जैसे 1000 लोगों को देखा है मैंने, मुझे क्या बुद्ध समझा हुआ है? How can you talk like this so rudely? क्या हुआ? हेलो, हाय. किराए पर घर दिलाने की बात करके ये मुझे 5 दिनों से उल्लू बना रहा है. आज मैं इसे 200 रुपए दे रही हूँ, जब तक घर नहीं मिले तब तक कोई पैसा नहीं देना, ऐसा इसने कहा था. अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं? झगड़ा इसने शुरू किया था. पैसा मेरे लिए बड़ी बात नहीं है. पैसा दिए बिना तुम यहाँ से एक कदम नहीं हिल सकती. क्या है तेरा? क्या है वो? इस शहर में नहीं है तो उल्लू बना रहे हो क्या उसे? सोच समझ के बात कर तुम मुझसे. जानता नहीं मैं कौन हूँ? इस पूरे गाँव में पूछ कर देख ले मेरी इज्जत क्या है, और जरा जबान संभाल कर बात कर, वरना सारे के सारे तेरे दांत तोड़ दूंगा. समझा क्या? क्या लगाऊंगा तेरे? तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा. अरे पहले घर दे दो, बाद में पैसे ले लेना. ठीक है. अरे जाओ तुम, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? 200 काफी है ना? अरे मत तो उसे. मैं हूँ, संभाल रहा हूँ ना. बेकार में ही भिड़ रहे थे मुझे. अरे अरे ऐसे आदमियों के साथ झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं.
सो वी मस्ट बी केयरफुल। इसका मतलब मुझे थप्पड़ देने नहीं आता, ऐसा मत समझना। तुम्हारी दांत तोड़ने की बात कही तो तुम डर गए थे ना? उसने ऐसा बोला तब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ए रुक वहां से। छोड़ो छोड़ो, वो दूर चला गया है। ये लड़की तुम्हारे साथ काम करती है क्या? हाँ, अरे एक ऑफिस में नहीं, एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। पिछली बार गाँव से आते समय हम लोग एक ही डिब्बे में ट्रेवल कर रहे थे। इसका नाम ज्योति। ज्योति ज्योति ये मेरा जिगरी दोस्त नहीं, भाई है, भाई जैसा है। तुम्हें घर चाहिए क्या? हाँ, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। मुझे तो बोलना चाहिए था ना, पॉल भाई सोचे और घर ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे धूप में खड़े खड़े क्या बात कर रहे हैं, वहाँ चलकर बात करते हैं ना। ज्योति अभी तुम कहाँ रह रही हो? वो बात अगर मैं ना बताऊँ तो बेहतर होगा। पंजाबी वुमेन्स हॉस्टल के मैनेजर के ऑफिस में, दो अलमारी के बीच में। ओह माय गॉड। कैनरा बैंक में जो काम कर रहा है वो मेरा कजिन है, पहले वो वहीं रहता था। उसने फोन करके बताया था, जब मैं वहाँ गई तो वो बदल गया। ये लो। ये क्या है? उस ब्रोकर को मिस्टर राम कुमार, रामू, सब लोग मुझे रामू बोलते हैं। मिस्टर राम, तुमने दिए थे ना 200 रुपए? ये कैसी मुसीबत है पॉल भाई, ये कैसी मुसीबत है? हमारे बीच में पैसे का हिसाब ठीक नहीं है। और हिसाब किताब के बिना मलयाली ऐसे रहेंगे तो क्या बैंक पैसे दे देगा? अरे जो दे दिए ले लो। ये क्या? ले लो। यहाँ बहुत सारे नियम है। बिना शादीशुदा वाले को घर नहीं मिलता, सिर्फ फैमिली को ही घर मिलता है। पेंग इसके बारे में भी सोचा था, लेकिन वहाँ भी 100 तरह की प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो शक करते हैं, जैसे कि मैं कोलंबो की LTT वाली हूँ। वैसे भी अकेली लड़की को घर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉल भाई सोचेंगे तो मिल जाएगा। आइए आइए, वो अंदर ना पूजा कर रहे हैं, आप अंदर आके बैठ जाइए। कोई बात नहीं, उनसे कहो कि हस्बैंड वाइफ घर देखने के लिए आए हैं। ऐसा है क्या? सुनो जी, पूजा हो गई या नहीं? अच्छे से एक्टिंग करना, कोई शक ना हो। समझ गए। आइए आइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। मेरी वाइफ, मैं उसका हस्बैंड। नमस्ते। हाथ जोड़कर नमस्ते करो, ऐसे। नमस्ते। नमस्कार। मेरी वाइफ को तामिल ठीक से नहीं आती है, यहाँ पर आके 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसका हस्बैंड, मतलब मैं, मुझे अच्छी तरह से आती है। मदुरई में काम करते हैं ये लोग। अरे जब आप घर देखने आए थे तब आपने बता दिया था ना। एक जगह थोड़ी है, मदुरई है, त्रिनेन वैली है, तनगासी है, कोंकण है, हर जगह घूमता फिरता हूँ ना। ओ पिछले महीने ही शादी हुई थी, बहुत बड़ी शादी हुई थी, 3 बार खीर, आपने तो सुना ही होगा, इडली सांबर, वहाँ की स्पेशलिटी आपको तो पता ही होगी। नहीं। अरे आपने नहीं सुना? अरे वही कुक था, वही सब्जी, वही सब कुछ था, आप भी तो थे ना वहाँ पर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हमारा कमरा ऊपर है, ये लोग मालिक है, चाय भी दीजिए। हमारी शादी में केरला के चीफ मिनिस्टर आए थे, ये क्या है, तामिल में भी थोड़ा बोल सकते हैं। अरे ये सब क्यों बता रहे हो? इनको शक नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। मुझे क्या शक होगा? नहीं जी, इस जमाने में शक करना चाहिए ना, लेकिन हम लोग हस्बैंड वाइफ ही। तुम चुप रहो यार, ये लीजिए एडवांस। वैसे तुम काम कहाँ करती हो? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, ग्रीम्स रोड में। ग्रीम्स रोड 3rd बिल्डिंग में 7वां फ्लोर है, डोर नंबर 3। ओहो, खड़े खड़े क्या देख रही हो, जाकर चाबी लेकर आओ। देखो, एक हस्बैंड और वाइफ इस तरह से बिछड़ कर अलग हो जाना कितनी बड़ी दुख की बात है, लेकिन आप तो जानते हो कितनी दुख की बात है कि मैं आज मदुरई जा रहा हूँ। आप अपनी लड़की समझकर इसका ध्यान रखो, आप ध्यान रखेंगे मुझे पता है। भगवान को याद करके इनसे चाबी ले लो, ले लो चाबी ले लो। शादीशुदा औरतें हमेशा माथे पर सिंदूर लगाती है। हमेशा लगाती है, आज भूल गई। बस 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 बस, आ जाओ, चलो, आ जाओ। चलो चलो चलो। आजकल की औरतें माथे पर सिंदूर लगाना भी भूल जाती है। हाँ सही कहा, आओ कॉफी पिलाओ। ये खींच कर दूंगा, इतना ओवर एक्टिंग कोई करता है क्या? सब बता दिया तुमने, टैं 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 बोलते गए। अरे वो आदमी बददिमाग था इसलिए बच गया, नहीं तो भगा देता घर से। ठीक बोल रहे हो, राम की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर है। हुआ ना, मैं इसी उम्मीद में था, मलयालम जैसा नहीं है, इसमें जरा ज्यादा डोज चाहिए। मलयालम किसमें? हम में। लेकिन तामिल में कुछ सुना है क्या अम्मा? अम्मा इसमें कुछ फर्क है क्या? अरे तुम्हें रोकना चाहा लेकिन तुम रुके ही नहीं। बेटी तुम दरवाजा खोलो। अभी मेरे दिल को शांति मिली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब तुम लोग आराम से फ्रेश हो जाओ। रामू अपना नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम अपनी है,
ओए मैं तो एक पैग और पीऊंगा। बोल भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोडा दो, सोडा। अंकल इधर आओ, देखो उधर ड्रामा चल रहा है। ओ बहुत बढ़िया है यार। अरे अरे क्या बात है, देखो क्या? बताओ तो। हाँ? तुम्हें इसके अलावा कुछ सोचता नहीं क्या दूसरा? चलो आज की राशि देखकर बोला था कि आज संकट का दिन है। इस सूटकेस को उठाकर तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ, इस पेटी को लेकर तुम यहाँ क्यों आ गई? इसे मैं और कहाँ रखूँ, मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया। निकाल दिया? ऑफिशियल टूर में मदुरई जाने वाले मेरे हस्बैंड को वो माउंट रोड में कैसे देख सकता है? मुझे और क्या, उस आदमी ने मुझसे घंटे भर तक क्वेश्चन किए, बाद में जब पुलिस की बात आई तो मुझे मानना ही पड़ा। तो ज्योति तुम्हें पंजाब लेडीज हॉस्टल जाना चाहिए था ना। वहाँ रूम नहीं है ना राम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई और होटल में जा सकती थी। वो ठीक नहीं है, इसलिए तो हमने ये ड्रामा प्लान किया। छे, लेकिन कुछ भी कहो, मैं उसकी नजर में कैसे आया? मैं काम करता हूँ, उस भाई को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, देखो फिर वो मान जाएगा। वैसे दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते कहते हैं ना। अभी खेलना शुरू करोगे तो जेल में रहना पड़ेगा। मैंने उस आदमी के सामने सच कबूल किया है, तुमने सुना नहीं क्या? तो अभी क्या करोगी? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ। मुझे भी ऑफिस निकलना है अभी। हे भगवान। ज्योति तुम टेंशन मत लो, पॉल भाई कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर 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 रुको पॉल भाई। ओ पॉल भाई, बॉस नहीं है भाई। हाँ नहीं है तो कहाँ चले गए वो? पौंडीचेरी गए हैं। अरे अरे क्यों? अरे गाड़ी का टायर बदलने के लिए, कुछ बोल कर नहीं गए। अरे यार क्या बात है सर? कुछ नहीं, बस आराम से वापस जाएंगे। और आप लोगों को क्या है, आराम है, गाड़ी निकालो। नॉनसेंस, बिना नॉक किए कोई रूम के अंदर आता है क्या? सॉरी सर। सर आपको लेडीज हॉस्टल या विमेन हॉस्टल की कोई जानकारी है क्या? What do you mean? लड़कियों का मामला है, अगर आपके पास कोई लेडीज हॉस्टल वुमेन हॉस्टल होगा तो मुझे जरूर बताइए, बहुत हेल्प होगी। 3-star बिल्डर्स का जीएम ऐसे काम करता है क्या? आप कुछ उल्टा मत समझिए, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। भले किराए का घर मिले लेकिन मुझे अभी चाहिए, बहुत जरूरत है। मैं घर का ब्रोकर नहीं हूँ, समझे क्या? ब्रो मेरा मतलब वो नहीं था, आप कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, गेट आउट। लेडीज की बात है, गेट आउट आई से। सॉरी क्या करूँ, ये मेरे सर पर ही मुसीबत आ पड़ी है। सर क्या बात है, आप टेंशन में दिख रहे हैं। नहीं नहीं टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, आज भी है कल भी रहेगा। ला 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 ला। दस बज गए, इतना लेट क्यों? पांडे भाई पौंडीचेरी चले गए हैं। कौन पांडे भाई? नहीं नहीं, पॉल भाई पौंडीचेरी चले गए गाड़ी का टायर बदलने के लिए, अक्सर वहाँ रेस होती है। अभी जब तक पॉल भाई पौंडीचेरी से नहीं आते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परेशानी तो और बढ़ गई है। आ? अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक हादसा हो गया था। आ? जब मुझे भूख लगी तो खाने के लिए बाहर चली गई। वहां से वापस आकर देखा तो बगल के एक फ्लैट की औरत कौन है क्या है ऐसे सवाल करने लगी। 2-3 लोग और भी थे जिन्होंने मुझसे सवाल किए। मुझे तो झूठ बोलना पड़ा कि मैं राम की बीवी हूँ। ओह माय गॉड। ऐसे ही हम उस घर में गए थे ना। फिर भी वाइफ करके तुमने क्यों बोला? मेरी और परेशानी बढ़ जाएगी ना।
अरे कोई और लड़की राम के फ्लैट में है तो भी तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। वो तो ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना ठीक लगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो राम तो अरे नहीं, ये करके ऐसे बोलना। कांग्रेचुलेशन, ओ बधाइया जी बधाइया। चोर कहीं गए, एक भी रुपया बिना खर्च गए, तुमने अपना काम कर दिया ना। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, ऐसा झूठ बोल रहे थे ना तुम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति मेनन। माँ बाप को बताए बिना चोरी छुपे शादी की है क्या तुमने? इसका क्या मतलब, शादी तो हो गई ना। ओ मैं भी ऐसे ही करता जी। लड़की तो साक्षात महालक्ष्मी है, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। ओए रामू, तू सानू ट्रीट नहीं देती, कोई गल नहीं, आगे तेनु मिठाई खिलानिया। ओए सोनियो, ओ मिठाई खिलानू। लीजिए ना। ओ खा यार खा। आ रुको रुको रुको, रसम बाकी है ना, शादी नहीं हुई ना अभी, इसलिए हम अभी रस्म पूरी करेंगे, पहले बेबी को दे दो, बाद में राम को। सही गल है, सही गल है। ओए रामू दे यार दे, ओ खिला खिला यार, खिलाओ खिला खिला। बेटा खाले खाले, शर्माओ मत, तुम भी खा लो, अभी तुम मैं बाद में खा रहे हो। नहीं मैं खा लेना। ओ शर्मा नहीं यार, खा लेना, खा ले, खा लूंगा, खा खा। ओ बल्ले बल्ले, हनीमून का क्या सोचा है रामू? फ्लाइट का टिकट बुक करके बताता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गेटिंग वेरी लेट, हम लोग अपना अपना काम करते हैं, कम ऑन लेट्स गो। ओ हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो चलो, एनू भी आराम करने दो जी। बाय बाय, ओके गुड नाइट। हाँ जी चलो जी, हाँ जी। अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अब तो मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। I'm sorry, राम। हाँ, कुंडली के मुताबिक संकट के दिन मेरे ही है, जाने दो, छोड़ो, किसी को बचाने के लिए नाम खराब करना कोई गलत बात नहीं है, फिलहाल के लिए सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जाओ ज्योति, बेडरूम में जाओ, दरवाजा बंद करके सो जाओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं यहीं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ये ठीक नहीं है ज्योति, तुम गेस्ट हो ना। प्लीज तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। गुड नाइट। फिर भी मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, मेरे खर्राटों पर ध्यान मत देना। गुड नाइट। बेल मैंने बजाया, दरवाजा खुलते ही मैं ना दिखूं इसलिए मैं छुप गया था, वो दूध का पैकेट आया था ना तो मैं रख के गया था, ये लीजिए दूध आपका। मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी हूँ, मलयाली। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? ज्योति। जब मैं पूछता थे तो कहते थे गांव में लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे बताया ही नहीं। वैसे कौन सा गाँव? गाँव आलोकपुरा के बगल में। मेरा घर मड़ाई में है। क्या मड़ाई में आपका घर है? नहीं मड़ाई बोलेंगे तो करनूल जिले के मड़ाई के पास मेरा घर है। वैसे मैं मलयाली मूवी में एक्टिंग करने आया था यहाँ पर। बाद में? वैसे मैडम मैंने एक बार कोशिश की थी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, वो फिल्म मास्टर थी ना, हाँ उसमें एक गाड़ी वाला सीन था, वो हाँ वो मैंने किया था, वो जो बीड़ी वाला सीन था ना वो मैंने किया था। हाँ अरुणाचलम स्टूडियो, पहले मैं पूर्वाचल के लोगों को बीड़ी पहुँचाता था। सत्यम मास्टर, क्या मूवी बनाई थी। अरे रा 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 रा, मैं तो बड़ा फेमस हो गया उससे, लोग मुझे अब बीड़ी बुलाते हैं। ठीक है, मुझे रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ओह अरे बाप रे, एक सेकंड मैं आता हूँ। वन सेकंड, कमिंग कमिंग। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय पीने की आदत है तो इसे पी लो। आई एम सो सॉरी, मैं लेट उठता हूँ ना, मुझे पहले से ही लेट उठने की आदत है ना, अपने आप के लिए चाय बनाना मतलब अरे बाप रे। इट्स ओके। गैस था क्या? अरे मैं सिलेंडर को लेकर आने वाला था, वैसे नींद बहुत अच्छी आई ना। ये हुई ना बात, हॉस्टल में जब ऑफिस की अलमारी के बीच में मैं सोया करती थी उसकी तुलना में तो ये स्वर्ग जैसा है। मेरा खर्राटा? मैंने नहीं सुने। भाग्य है। वैसे फ्लैट का किराया कितना है? मेंटेनेंस और सब मिलाकर 3,000 आते हैं। ये तो ज्यादा है ना।
ज्यादा नहीं है, ये पॉल भाई ने ही लेकर दिया था ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले इंसान को कोई भी किराए पर घर नहीं देता है ना। यही तो मुसीबत है, हर शहर की यही तो दिक्कत है। दिल्ली मुंबई इतना कंजर्वेटिव नहीं है। राम, मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा करने वाली बात कहोगी तो आएगा गुस्सा। फिर भी मैं बोलकर देखती हूँ। वो क्या है, मैं तुम्हें 1,500 रुपए दूंगी। ओहो, ये तो वाकई गुस्सा करने वाली बात है। एक दिन यहाँ ठहरने की वजह से अगर ज्योति से मैं 1,500 रुपए लूंगा जैसे स्टार होटल वाले लेते हैं, तो मैं तो इतना लालची नहीं हूँ ना। मेरा मतलब ज्योति, एक बात बोलूँ, हमारे गाँव में अय्यप्पन मंदिर जाने वाली मंडल की जगह पर बीज रखते हैं हम, जिन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यही हमारा कल्चर है। अरे मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब छोड़ो। अरे जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो राम। बोलो। 2-3 महीने के बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा, और इस बीच में एक और नाटक करना पड़ेगा, और अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे घर से निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, नई जगह और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी कौन जानता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, महीने का 3,000 किराया है तो 1,500 मैं दे दूंगी किराए का, ठीक है राम? अरे बाप रे, ये तो आई फील वेरी कम्फर्टेबल हियर, इट्स रिक्वेस्ट। यहाँ के सारे लोगों ने गलती से हमें हस्बैंड वाइफ समझ लिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यही एक सबसे बड़ा कोइंसिडेंट है ना? और ट्रेन में भी हम लोगों ने एक साथ ट्रैवल किया था। कल मैं यहाँ पर सोई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ऐसा समझ लो कि ये एक्सटेंशन है, ठीक है ना? राम, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्राइवेसी कोई प्रॉब्लम होगी तो? नो, ऐसी बात नहीं है। देखो ज्योति, क्या है ना कि ज्यादा इनडिसिप्लिन बैचलर लाइफ है मेरी, इस तरह के खराब मोहल्ले जिंदगी को और बिगाड़ कर रख देते हैं। जब मर्जी आए आऊंगा, जब मर्जी आए जाऊंगा, इसलिए तुम्हें एडजस्ट करने में इसमें बहुत तकलीफ होगी। अरे तुम मेरी तकलीफ के बारे में मत सोचो, फ्लैट की 2 चाबियां हैं क्या? अरे 3-3 चाबियां। फिर क्या प्रॉब्लम है? जब भी तुम्हारी मर्जी आए तुम आओ जाओ। इसमें क्या तकलीफ है राम? जो मेहमान हमारे घर पर आते हैं उन्हें बाहर निकालना हमारी परंपरा नहीं है। ओह, थैंक यू वेरी मच। एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा है, तुम कहो तो हम एक नौकरानी रख सकते हैं। कुकिंग के लिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ नौकरानी को रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उन लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। दिल से थोड़ी कोई कुकिंग करता है। ज्योति, तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर के लिए नहीं, मैं सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी जगह रहते हुए भी तुम लॉन्ड्री वाले को इतना पैसा देते हो। एक हफ्ते से उस कपड़े को धोया नहीं था, बेकार में साबुन लगा कर धोगी तो फट जाएंगे। लाओ मैं धोता हूँ। अरे धो लूंगा मैं। अरे बाप रे, मेरी ड्रेस को मैं देख लूंगी। इसको तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तुम्हारी तो अरे अरे क्या कर रही है? और एक है। अरे यस, हाय। सुनो, मेरे ऑफिस में एक नई जॉइनिंग हुई है, तुम्हें पता है उसकी कॉमेडी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, बिल्कुल साइको है वो। कॉमेडी है? कॉमेडी तो बहुत बेकार है, अपने सरदार जी वाले जोक्स मारता है। हाँ। बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, हॉरिबल। ये फोटो किसके हैं?
ओह बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाँ, अरे ये सब मैंने भेजा हुआ है, कुंडली के हिसाब से होने वाली शादी इस तरह होगी। ओ ये हुई ना बात, ये लड़की ओवर इंटेलिजेंट है, राम तुम्हें डुबा देगी। मैं थोड़ी पागल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एडजस्ट करने में तकलीफ होगी। इन सारे फोटोज में मेरा एक ही पसंदीदा फोटो है, ये देख लो। ये लड़की भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओ ये तो नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन पार्टी है, ये पसंदीदा लड़की है। यस, ये राम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ओह ज्योति तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। लेकिन राम मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसका मतलब? इसमें है ईगो, बहुत बड़ा वाला ईगो। राम तुम्हारे लिए लड़की बोले तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा कहा मानो तो ये फोटो आज ही लौटा दो। रिजेक्टेड। हाँ ये सब किस लिए पॉल भाई? मेरी खुशी के लिए बस। हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ज्योति देखा तुमने, केक है ना? ऐसे ही केक नहीं है, बर्थडे केक है। किसका बर्थडे है? यही गधे राम का। हमेशा मैं शाम को आता हूँ और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए पॉल ही समझता है सब। ज्योति तुम जानती हो बर्थडे का नाम लेके ये मेरा पॉकेट खाली करता। अरे लड़की है इसलिए केक लेकर आया हूँ, जाओ तुम चाकू लेकर आओ। हाँ मैं चाकू लेकर आती हूँ, पर मैं केक नहीं काटने वाली। अरे ये क्यों? अरे मुझसे तो कुछ बोला नहीं पॉल भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मैंने नहीं बताया, गांव में रहता था तो माँ मंदिर ले जाती थी, पूजा कराती थी। अब नखरा वखरा छोड़ो और तुम दोनों इधर आओ और खड़े हो जाओ। ठीक है अभी काट देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राम। वन सेकंड। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। वाओ वाह, थैंक यू, तुमने तो मुझे साइड कर दिया ना। हाँ ये तो मानना ही पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। ज्योति अपने बर्थडे में मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। हे अभी बता देती हूँ, September 21st, इससे भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट तुम्हें देना होगा। अरे वो सब मैं देख लूंगा, अब चलो उस खुशी के मौके पे गाना हो जाए। तुम गाना गाओगे? ओ ये हुई ना बात, गाओगे ऐसा पूछकर येसुदास और जयचंद्रन के टेप रिकॉर्डर में गाना बजता है तो साथ में मैं भी गाऊंगा। पी इस तरह की आवाज निकल जाएगी। अच्छा ऐसे ही होता है मेरे साथ। हमेशा की आदत कह के इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। टेप रिकॉर्डर का गाना शुरू होने दो, फिर हम सब साथ मिलकर गाएंगे। ओके। राम ब्रेकफास्ट तैयार है। ज्योति मेरा पर्स देखा क्या? तुम्हारा पर्स तुमने जहाँ रखा है वहाँ देखो। अरे देखा है क्या, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम अपने कमरे से बाहर आ जाओ। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। भगवान मैं बहुत लेट हो गया आज। अरे ब्रेड है क्या? अरे पहले ही बोलना चाहिए था ना। पहले बताना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं बोला? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ज्योति ज्योति इधर आओ जल्दी इधर। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, चाहे भूकंप हाँ? भी क्यों ना आ जाए लेकिन दरवाजा मत खोलना तुम। मेरे मामा का लड़का आया हुआ है, मेरी पोल खुलने वाली है। जाओ तुम अंदर छुप जाओ, जाओ ये पकड़ो, जाओ जल्दी। ये भगवान ये क्या है? अरे बाप रे, ये लो दूध का पैसा। अरे गोपी तुम। मैं तो तुम्हें दूध वाला समझ के पैसे दे रहा था, तू तो दूध वाले भैया जैसा लग रहा है। अंदर आ, आजा अंदर। सब भगवान की कृपा है, चलो बहुत दिन से तड़प रहा था। मेरे राम से मिलने के लिए गुरुवार को मंदिर गया था, राम को अच्छा रखने के लिए मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ। ये लो प्रसाद। गोपी भाई आप तो नहीं आने वाले थे ना? शाम के उस दिन की यादों को फिर से मत दोहराना मेरे प्यारे राम। धर्म का कुरुक्षेत्र जब मैं पार करके आया हूँ, कृष्ण भगवान ने मुझे उस संकट से बचा लिया। एवं सेतु माधवम मुकुंदम कुंभीदले ग्लानिर्भवति भारती। गोपी भाई आप श्रद्धा अर्पण करने के लिए निकले थे ना? मैं सब जगह होकर आया हूँ, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे राम के साथ थोड़ा आराम करना है। यहाँ तो फिर राम कहाँ सोचूं? मैं यहाँ से जाऊंगा तो फिर मैं भी साथ आऊंगा। कहीं भी रहने दो, तुम तो साथ रहोगे ना मेरे राम।
अरे मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ के मंदिर और क्षेत्र सब घूम कर आया हूँ। वहाँ के हिंदू देवी देवता मुझसे सब बात कर रहे थे। अरे बच्चे सब गांव में भीड़ भाड़ में हैं। उन्हें भगवान के चरणों में छोड़कर आया हूँ। कौन से हमारे भगवान को? नहीं गोपी कृष्णा, मंत्र का उस भगवान के मंदिर के पास। ओह, इसका मतलब गांव छोड़कर आए। अरे वो गांव तो संकट का बाप है। ये धरती कितनी फैली हुई है। और क्या है, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि देना। इतना जायदाद रखने के बावजूद भी मेरे पिता एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं दे पाए मेरे राम को। उस आदमी को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा, लेकिन वकील को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ए भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये न्याय नहीं है राम। अब वकील को देने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी हो गोपी भाई, लेकिन आप पहले नहा लो। मैं नहा कर ही आया हूँ। सफर में थक कर आया हूँ। नहीं, मुझे छोड़ो, मैं नहा कर आया हूँ। मैं दोबारा नहीं नहाऊंगा। जाकर नहा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा दोबारा। नहा लो, दरवाजा बंद कर लेता हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे बाप रे, मुझे बुलाया क्या? अरे नहीं, ऐसे ही मैं डोर बजा रहा था। तो फिर ठीक है, मैं नहाता हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ। रुको, मैं करता हूँ। अरे ये जा ही नहीं रहा। घड़ी, मेरा वॉच कहाँ है? हटो ना। हाथ में ही है तुम्हारे। फाइल, ये लो। मेरी फाइल, हाँ दो मुझे जल्दी। ये दुपट्टा लो तुम्हारा, ये लो जाओ। अरे ये नहीं, दूसरा। अरे यार, हाँ ये लो, ये लो, ये लो, जल्दी लो, ये लो, ये लो, जाओ। अरे दो मुझे, हाँ मैं कर रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं चलती। अरे मेरी चप्पल, हाँ मैं चली जाऊंगी। अरे क्या कर रही है? ऐसे आदमी को क्यों बुलाया अंदर? देखने से पहले निकलना है। चलो 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 चलो। हे राम, मेरी चप्पल तो दो। भूल गया मैं, ले लो। हाँ ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। चलो। यहाँ पे एक औरत की आवाज सुनी थी। तुमने भी सुना? मैंने भी सुना। पता है तुम्हें, इस रूम में कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने घासलेट डालकर आत्महत्या कर दी। उसका भूत भूत घूमता है यहाँ पर। उसका भूत कभी कभार मेरा गला दबा देता है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना चाह रहा हूँ। गोपी भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। अरे क्या कर रहे हो, क्या हो गया? दरवाजा इधर है। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ। हाँ हाँ सर, आज आप जल्दी आ गए। ये कौन है? ये आपका नया आदमी है क्या? हाँ हाँ मेरा आदमी है। अरे राम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ रुकने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे काम में मैं मदद करूँगा। हाँ मदद करने के लिए आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। गोपी भाई आप ये काम कर लो, यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो। चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगा? दोपहर को चलेगी। सुनो, एक काम करो, इसको कैसे ना कैसे यहाँ से निकाल कर भेजने की कोशिश करो, की व्यवस्था कर दो। अरे कोई तो मुझे चाय पिलाओ। गुड मॉर्निंग सर। ए सर, ए भगवान, हाँ हु इज दिस स्टूपिड? अरे अरे मारो मत इसको, एक नया आदमी मेरा रिश्तेदार है। अपने रिश्तेदार को बाहर खड़े करके आओ। गेट आउट। जाओ जाओ जल्दी। सर किसे ढूंढ रहे हो तुम? यही बगल के लॉज में गोपी भाई को ठहराया है। वो कभी भी हमको एक साथ देख सकता है, वो कभी भी हमको प्रॉब्लम दे सकता है, यही सोच रहा हूँ मैं। राम तुम इतना डरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा। और क्या करने बोलती हो, डरे बिना मेरे साथ रहती हो, ऐसा पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने तो सोचा एक बेचारा है, दिखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन कितना बड़ा चालाक है पता है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, परेशानी देने वाला है बोला तो। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं बताओ? जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, मान लो एक जमीन बहुत बड़ी कीमती है, रिया बीघा सैंड के लिए 1 करोड़ समझो। उस जगह की जमीन पर अगर गोपी को रखा जाए तो उस जमीन की कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाएगी। इतना किस्मत वाला है वो, उसकी बीवी और बच्चे, समझी? बस यही एक यूनिक पीस है। मामा के गाँव में एक राशन की दुकान है जो इस गोपी को चलाने दी थी। दुकान खत्म हो जाती तो भी चलता, लेकिन इसने उनके माल को ब्लैक में बेचकर उन्हें जेल भिजवा दिया। इतना बड़ा धोखेबाज है वो। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, अभी वो खुद के बाप पर केस करने वाला है। ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है कि क्या बताऊँ मैं तुमको। यम लोग के बारे में बात करते रहता है हमेशा वो। ऐसे आदमियों को लॉज में क्यों ठहराते हो तुम?
हाँ, अरे रिश्तेदार है ना, अब क्या करे। किसी भी तरह दो दिन लॉज में रहने दो, फिर बाद में वो अपने आप चला जाएगा यहाँ से। गोपी भाई, गोपी भाई, गोपी भाई, अरे मैं हूं, भूत नहीं हूं मैं, भूत भूत नहीं आएगा। वाकई में क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने बेल बजाया तो सोचा कि तुम सामने रहोगे, लेकिन ये तो खड़ी थी बाल बिखेरे हुए और दोनों साइड में सींग को दांतों के नीचे दबाए हुए। अरे बाप रे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद। इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉज में रखा था ना। लॉज वाला लड़का मुझे मार रहा था। क्यों? चिकन बिरयानी चाहिए, मैंने ऐसा बोला था। रात 12 बजे चिकन बिरयानी चाहिए, मैंने ऐसा बोला था उसे। अरे गलत मत समझो, मैंने उसे छुआ और वो गिर गया। मैंने हल्के से उसे छुआ और जैसे छुआ वैसे वो गिर गया और सर पर खून आने से मुझे उसने मारा। लेकिन तुम यहाँ भूतों के साथ ऐसे कैसे रहते हो? अरे उसके लिए मैं दूसरा फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए ये भूत और ज्यादा गुस्से से बर्ताव करता है। अरे शहर में ऐसे भूत रहेंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। गोपी भैया पता है तुम्हें, अरे आजकल भूत लोग तो सिटी में रहते हैं ज्यादा, अरे गाँव के सारे भूत यही बसे हैं। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ये तो शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। अगर मैं गाँव जाने के लिए सोचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। ए भगवान मेरी रक्षा करना, लेकिन वो आदमी बड़ा दुष्ट था। अरे गोपी भाई जो भी है हम अब सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाओ। सो जाओ। हाँ ठीक। रेंदो 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 रेंदो, मैं निकाल दूंगा गोपी। हाँ गोपी भाई जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलो। सुबह उठकर देखा तो भूत बाथरूम में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? अभी अभी गांव चले जाओ। पैसा है क्या? मैंने माँ के लिए लेटर लिखा है ना, गांव में जो जमीन है उसमें से थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए इस लेटर में लिखा हुआ है। थोड़ा क्या, 1 एकड़ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 एकड़ है ना, वो सब माँ से बात करो। हाँ जाओ। अरे नहाए भी नहीं और भूख भी लगी है। अब रास्ते में भी खा सकते हैं, रात में जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी एक मुसीबत है। ये लो, खुशी से जाओ जाओ जाओ। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और प्रार्थना करूंगा। खुशी की बात है। राम, मुझे जल्दी गांव जाना है, मेरे पिताजी का फोन आया था, कल मेरी सगाई होने वाली है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। असल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है, वो लोग सब सुबह आ जाएंगे, मुझे उनसे पहले पहुंचना है। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली, अब मैंने बस की टिकट बुक की है, अब मैं बस में जाऊंगा। नहीं ज्योति, अगर शादी की बात है तो सोचने के लिए वक्त तो होना चाहिए ना। पिताजी का मामला ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर फिर कमांड, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। 3:30 बजे की बस है, मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊंगी। वैसे मेरा टाइम हो रहा है, तुम वहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा, मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी हैं। मिलते हैं हम। हम काम को स्टॉप नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं है तो सर पे सीमेंट और सरिया लेकर जाओ, मुझे पूरा काम चाहिए। सर लोकल लेबर्स को बुलाओ और मैकेनिक को भी बुलाओ। ओके सर। तुम अपने मैकेनिक को बुलाओ और उसके साथ जाओ और वहाँ जाकर देखो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। सर मैं इसलिए आया हूँ कि एक जरूरी बात करनी है, मुझे दोपहर के बाद कुछ काम है। अरे कंडीशन को थोड़ा समझो रामू, आधा घंटा काम रोकने से कितना नुकसान होगा ये तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज सर। नो, डू व्हाट आई से। अह
मिस्टर पांडियन सर, क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। हेलो सर, राम कुमार बोल रहा हूँ, आधे घंटे में काम निपट जाएगा। सर मुझे एक ज़रूरी काम है, आपको मैंने बताया भी था, तो सर मैं जा सकता हूँ सर? सर आप आ रहे हैं क्या? और सर जो मैं पूछ रहा था उसको लेट हो जाएगा सर? हाँ सर लेट हो जाएगा सर, सर प्लीज़। ठीक है सर, रुकता हूँ। इधर रुको। ये लो। अभी आपकी वाइफ निकली है सर। सर नहीं आए, ऐसा इंतजार कर रही थी बार बार। क्या? अभी निकली सर। आप कहाँ जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। ऑटो यहाँ, लेफ्ट में लो, इसके अंदर लो, चलो अंदर। भाई 4:30 बजे की केरला की बस थी, वो चली गई क्या? केरला बोले तो अनाकुरलम ना, बस अभी गई है यहाँ से। अरे बाप रे, वही त्रिवेंद्रपुरम केरला के लिए लास्ट बस है यहाँ, तुम उसे पकड़ सकते हो। वो बस नहीं है। सुनो, अभी गाड़ी चला रहे हो ऐसा सोचो, हो पीड़ 40 पार हो गया है, अब फोर्थ गियर लगाओ। 40 पार किया, वो मुझे कैसे पता चलेगा? एक खींच कर दूंगा, मेरे पिताजी की उम्र का है और गाड़ी को ठीक से चला नहीं पा रहा है, मीटर चेक कर, कहीं जाकर ठोक दिया अभी तो। मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। खींच कर दूंगा, गियर डाल। अरे ये फोर्थ गियर है, ये फर्स्ट गियर है, ठीक से खींच, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? मास्टर जब आप गुस्सा हो गए थे अनजाने में। अरे तुम ऐसा करोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? हाँ, अरे चलने वाली गाड़ी होती तो। अरे तुम्हें रुकने वाली गाड़ी पे बिठाकर इसलिए गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि चलने वाली गाड़ी का गियर ठीक से नहीं डालोगे तो ठोक दोगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, समझे? प्रैक्टिस करो ठीक से, समझे? परेशान कर दिया है। पॉल भाई, ज्योति चली गई। हाँ? ज्योति गांव चली गई, थोड़ा इधर आओ। जाने से पहले वो आपसे बात करके कुछ बोलकर चली गई क्या? क्या है जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं है, कहीं चली गई क्या? क्या हुआ? चली गई, शादी है उसकी, शादी गांव में शादी है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा तुम्हारा सामान चोरी करके चली गई। अरे नेक काम करके गई है भाई। फिर भी कॉल किए बिना, कुछ बोले बिना चली गई? जरा सोच कर देखो, हम तो परिवार की तरह रह रहे थे। मैं बस में जा रही हूँ, तुम फ्लाइट से आ जाना, ऐसे बोलकर चली गई वो। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हो गया? अगर मेरे से कुछ बोलकर गई होती तो इमरजेंसी कोटे में टिकट बुक करवा देता मैं। शादी के मामले में लास्ट मिनट में बोलती है क्या? क्या इज्जत है मेरी? फिर तुम बेकार में अपना माथा क्यों गर्म कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जो भी बात है खोल कर बताओ। इसमें मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपने घर के परिवार की तरह समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली, धोखेबाज निकली। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, तुमने देखा क्या? तुम्हारी तकलीफ क्या है पहले वो बताओ। प्यार ना? प्यार हुआ है ना? पॉल भाई सुनो, देखो तुम। अरे तुम डर से बोल नहीं पाए तो वो चली गई बेचारी, यही सच है, यही सच है ना? सच भाड़ में जाए। मैं अपने मन की शांति के लिए तुमसे भी अच्छा सुनने मिलेगा ये सोच कर आया था मैं। अरे राम, भाड़ में जाओ तुम लोग, नहीं रहन दो। अरे रुको तो, कुछ नहीं सुनना है। शिवा गंगा, टेल मिस्टर पेनी सेल्वम टू मीट मी एज सून एज ही कम्स टू द ऑफिस। ओके ओके सर। गैर जिम्मेदार लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पेनी सेल्वम को मैं आज नौकरी से निकाल दूंगा सर। हाँ रामू, थोड़ा ओवरथिंकिंग करना पड़ेगा। सर थोड़े दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो भी इस टाइम पर? ये नहीं हो सकता। अन्ना नगर के फ्लैट्स के बारे में मुझे छुट्टी चाहिए सर। मिस्टर रामू, छुट्टी देने वाले हो या नहीं? क्या बात है रामू, तुम इतने कैसे बदल गए? जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे थे ना, मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। सुनिए, दिन रात मेरे से काम निकलवाते रहते हो ना, हर वक्त काम के लिए मैं ही दिखता हूँ ना तुम्हें। मिस्टर रामू, हमारे काम की जो कंडीशन है। उस दिन मैंने छुट्टी क्या मांगी? आपने लिफ्ट का बहाना करके मुझे काम पर भेज दिया। लिफ्ट का काम करो जाकर, कितना नुकसान हुआ मेरा जानते हैं आप? नहीं, मैं तो छुट्टी लेकर ही रहूंगा यहाँ पर। मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। डिसमिस के अलावा तुम और तो सजा नहीं दे सकते ना मुझे, या इससे भी बड़ी सजा देने वाले हैं आप? मैं नहीं डरता किसी भी सजा वजह से। मिस्टर रामू, सर एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ऊंची आवाज में बात करते हैं मैं चुप रहता हूँ। ये सब जिम्मेदारी के वास्ते ही ना, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां दिखाने लगूं ना।
यहाँ पर हो तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? बहुत कुछ हो गया वहाँ पर राम, दहेज, पैसों का लेन देन, ऐसी काफी सारी बातें, इसलिए सगाई टूट गई। भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राम तुमने क्या प्रार्थना की? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। मेरी शादी ना हो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे ना? क्या प्रार्थना? मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के नजरिए से देखा था, लेकिन राम। ज्योति प्लीज देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ज्योति तुम्हारे चले जाने का नुकसान क्या है वो उसी दिन पता चला था मुझे। मैं तो पागल ही हो गया था एकदम से, ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब तक तो मैं झगड़ा ही कर रहा था ऑफिस में, यहाँ वहां सबसे। क्यों मन नहीं कर रहा था? इससे ज्यादा विस्तार में क्या बताऊं मैं तुम्हें ज्योति, लेकिन एक बात है, ज्योति तुम्हारी शादी ना हो इसलिए दिल से मैंने प्रार्थना की थी, जो गलत है मुझे लगता है। मुझे माफ कर दो। राम मुझे लगा था हम दोनों एक साथ में दिन गुजार रहे हैं। राम मुझे लगा था तुम एक दिन ये जरूर बोलोगे। हेलो राम, मैं बोल रही हूँ ज्योति। हेलो ज्योति बोल रही हूँ। राम तुम सुन रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो ज्योति। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया, उस दिन छुट्टी लेकर आने को कहा था पर तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम पे ना बहुत गुस्सा आया, मैं अभी गाँव पहुँची हूँ। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? देखो बिजी हो, छुट्टी नहीं मिल रही या बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, ये सब बहाने मत बताना। शादी के दो दिन पहले तुम्हें घर पहुंचना है। मैं नहीं आ सकता ज्योति, काम के सिलसिले में मैं गोवा जा रहा हूँ उस वक्त, शायद वहाँ रहूंगा मैं। प्लीज राम, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हो, हमने अच्छा वक्त बिताया है राम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। राम फिलहाल तुम ऐसी हो, बाद में बदल जाओगी, मेरे आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? राम अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा ज्योति। चाहे कुछ भी हो, दो दिन के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, फिलहाल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाय। छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन राम ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है, इसमें है ईगो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस में फोन किया था तो वो लोग बोले कि तुम छुट्टी पर हो, क्यों ली तुमने छुट्टी? छुट्टी छुट्टी लेने का दिल किया इसलिए छुट्टी ली मैंने। रामू, मेरा ही रूट नहीं तुम्हारा भी रूट है, ये नहीं चाहिए बेटा, सही रूट नहीं है वो।
मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। बहुत सोचा पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं हारा नहीं। शादी नहीं करने का मैंने मन में ठान ली थी। अब देखो बिना शादी किए मेरी उम्र भी पार हो गई। वैसे तुम्हारा ना हो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हारे केस में इस लड़की को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो। तो क्या पॉल भैया आपके जैसा फैसला लेने वाला हूँ मैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम भी मेरे रास्ते पर चलोगे क्या? सुबह वो तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे बात नहीं हो पाई तो उसने मुझे फ़ोन किया, शादी के लिए बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। ये तो कहानी है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस शादी करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूँ ये देखने जाऊँ मैं? हाँ वो मैं बताता हूँ, तुम्हारे जैसे आदमी को समझाने के लिए ये पॉल तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है, मैं तुम्हें समझाऊँगा। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए हंसी मजाक करके दिन गुजारा था उसने, ये जो यादें हैं ना वो ठीक नहीं है। किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई ज्योति को तुम देख सकते हो? आगे जाकर जब तुम याद करोगे तो वही तस्वीर तुम्हारे दिल में होगी। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दिल की बात बता दो, समझे? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पॉल भाई मैं कुछ मत बोलो, अगर पॉल भाई को दिल से मानते हो तो उसकी बात भी सुनो, हम शादी में जरूर जाएंगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए तुम? ये तो आ गए, आ गए। अरे आने वाला था तो फोन करके बता देता ना। तुम लोग ट्रेन को छोड़ के कार से आए हो? अरे हम लोग 4 लोग हैं, फ्लाइट का टिकट महंगी थी इसलिए कार में आ गए। अब खुशी की बात है, अभी भी पैसे के मामले में बहुत खरे हो तुम। अरे इसके पापा इसे कंजूस नाम से बुलाते थे, पता है ना तुम लोगों को, जानते हो ना। अब आओ। हाय आंटी। ये लो मिल लो। कैसी हो? अच्छी हूँ। आओ चलो हम लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। लक्ष्मी की शादी में तुम आई नहीं ना, मिल लो इससे, ये राजीव है उसका हस्बैंड। हेलो लुफ्तांसा। हाँ अभी भी याद है। अंकल मैं याद हूँ या भूल गए? लक्ष्मी तुम पतली हो गई हो क्या, डाइट कर रही हो क्या? अरे जवानी की उम्र में बहुत मोटी थी इसकी तरह। ओ, कुछ भी। आंटी मुझे आपसे बात, हम बाद में बात करेंगे, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। जाओ शाम को 5 बजे के पहले पहुँचना है वहाँ पर। एक मिनट रुको। अच्छा है ना दीदी, मद्रास से कोई आया है। मद्रास से? कहाँ है? वो लोग बाहर बैठे हैं। राम? हाय राम। हाय बाद में मिलती हूँ। थैंक गॉड, मैं तो उस दिन बहुत ही डर गई थी। उस दिन जब फोन पर तुमसे बात कर रही थी मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राम अगर तुम नहीं आते तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती। थैंक्स अ लॉट। चलो चलो अंदर चलते हैं। तुम कैसे आए हो, ट्रेन या बस से? ट्रेन से। ओह हमारी पुरानी ट्रेन। हाँ। ये हमारी कुसुम ताई की बेटी है। हेलो। राम एक रिक्वेस्ट है, मेरी शादी होने के बाद इसके लिए भी एक लड़का चाहिए। तुम्हारी पहचान में हो तो जरूर बताना। चुप हो दीदी। आ जाओ। बहुत पुराना घर है, शायद तुम्हें यहाँ परेशानी हो, तुम लोग वहाँ फंसे होंगे। राम क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी ही नहीं है, सफर की थकावट है? ऐसा कुछ नहीं है। नो, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो बोलो ना राम। कुछ भी हो अब मैं टेंशन क्यों लूं? चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ फिर बाद में बात करते हैं, ओके? हाँ ठीक है मैं बोलती हूँ। हाँ ज्योति आ गई। ज्योति कौन? डॉक्टर अंकल। अरे मैंने बोल दिया है, तुम बात कर लो। हेलो। हाय अंकल। या आई एम फाइन। मैं ज्योति का पिता हूँ, तुम मुझे विश्वनाथ बुला सकते हो। राम कुमार। हाँ ज्योति ने बताया। बैठो। सुबह मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया था तो सोचा अभी जाकर मिल लेता हूँ। कुछ भी कहो, मेरी बेटी की शादी में मद्रास से इतनी दूर आए हो इस बात की खुशी है। बेटी की शादी पहले होने वाली थी पर इसकी माँ गुजर गई, उसको बड़ा धक्का लगा था। मैंने सोचा कि साधारण मामला है, उसे बचाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है, उसे मलेरिया और ब्रेन हैमरेज हो गया था।
हमारे जैसे लोग रस्म के खिलाफ जाएं तो जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी बात करेंगे तो शुरू से लेकर बटन बंद करने तक का ख्याल रखना पड़ता है हमें। जिसकी बीवी भी नहीं है उसके ऊपर क्या बीतती है आप सोच सकते हैं। और ज्योति के बाद एक बेटी और भी है मेरी। हम लोग मिल सकते हैं? हाँ, अब फिर इसकी भी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो फिर मैं आराम से भगवान के पास जा सकता हूँ। अच्छा आप लोग बैठो, मैं कुछ अरेंजमेंट के लिए जाता हूँ। हाँ मैं आर्मी वाला हूँ, इसके लिए हिचको मत। अगर सोने से पहले थोड़ा चाहिए तो वो सब नहीं चाहिए सर। शर्माना मत। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। 5 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। आज शादी का मंडप दूर है ना, आज रात को नाच गाना सब होगा वहाँ पर। अरे धूम मचाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पर जाके करेंगे। और क्या रखा है जिंदगी में? अरे छोड़ो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने पहली बार पिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बेकार में काम पर लग जाते हो? और कुछ भी तकलीफ होने दो इंसान को, झेलना पड़ता है। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे पकड़ो। अरे इंसान ऐसे फिसल ही जाता है कभी कभी। जिंदगी में पहली बार यहाँ कर गिरा है, वो भी पैर फिसल गया। पॉल भाई आप चुप रहो। अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम ठीक तो हो ना? कल की शादी में इसे बहुत दुख होने वाला है, और क्या बचा है इसकी जिंदगी में? जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की किसी और के साथ शादी कर रही है, अब इसकी दिल की तकलीफ कौन समझेगा? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पॉल भाई आप इधर आओ। अरे मुझे बोलने दो। तुम जरा चुप रहो। बोलने तो दो। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ बुलाकर मैं क्यों लेकर आया हूँ? ज्योति के गले में कोई और मंगलसूत्र पहना रहा है इस फोटो को दिखाने के लिए। ना तुम उसे भूल सकते हो और ना उसे दिल से निकाल सकते हो। क्या कहा? मैंने कुछ गलत बोला क्या? बोलिए। अरे भाई मैंने बोला था। अरे उन्हें बोलने दो, हमें भी तो पता चले कि बात क्या है। अरे मेरे प्यारे सर, खास करके जानने वाली कोई बात ऐसा नहीं है। ये और वो मियां बीबी जैसा एक फ्लैट में रहते थे, शादी की बात करके वो यहाँ आ गई और इसका दिल टूट गया, और इतने दूर ये उसकी शादी में आया है। जब रानी मेरी जिंदगी से चली गई थी तब मैं ऐसे ही टूटा था, बहुत पिया था और मैं फिसला भी था, आज जैसे ये फिसल गया। अरे आप लोग गाना क्यों बंद कर दिए? सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अरे आप आगे से मेरी बेटी के बारे में कोई अपशब्द बोला ना तू, मैं ब्लडी। पापा इसने जो कुछ बोला है वो सच है क्या? क्या पापा? तुम लोग एक साथ रहते थे क्या? कुछ पूछ रहा हूँ। पिताजी वहाँ रहने के लिए इतनी आसानी से जगह नहीं मिली तो हम एक साथ रहने लगे। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, एक अच्छी लड़की देखकर सगाई करो। आंटी बिहेवियर सर, बेकार की बहस मत करो, सबको अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की आजादी। आजकल आजादी ज्यादा ही हो गई है। तो फिर तुम लोगों ने आगे पीछे सोचे बिना शादी क्यों फिक्स कर ली? बेटी तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। पिताजी ये बस एक दुर्घटना है, और कुछ भी नहीं। विश्वनाथन, एक अनजान आदमी के साथ रहने वाली लड़की को तुम मेरे बेटे के गले में बांधने के लिए सोच रहे थे ना? ही इज ऑल राइट, इसका मतलब खतरे से बाहर नहीं है। He is under observation. कौन है उनकी बेटी ज्योति? एक मिनट आइए, वो तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं। मद्रास से तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है क्या? उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा पिताजी को ज्यादा इमोशनल मत करना, आई थिंक यू नो द रीजन। यस डॉक्टर। जो भी इज्जतदार बाप होता है वो ये सब सह नहीं सकता। 30 साल की सर्विस में मेरी, मैं एक कर्नल था वहाँ पर, और परिवार की इज्जत एक मिनट में आज सब खत्म हो गया। पिताजी, पिताजी मेरी बात पे विश्वास कीजिए,
हम लोग एक साथ एक फ्लैट में जरूर रहा करते थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ क्या तुम सभी लोगों को भरोसा दिला सकती हो? फिर भी मैं उनके हाथ पैर जोड़कर जैसे भी होगा मैं उन्हें शादी के लिए तैयार कर भी लूँ, इस मुहूर्त पे तुम्हारी शादी करा भी दूँ, तो वो लोग मानेंगे क्या? माँ का साया नहीं है, पिता के साये में पली लड़की है, इसलिए इज्जत की परवाह नहीं करती। इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तुमसे भी एक छोटी बहन है तुम्हारी, याद है ना? अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? उस आदमी ने जो भी बोला क्या वो सच है? क्या तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए प्यार है? मुझे सच्चाई बताओ। कल मैं उसी मुहूर्त में तुम दोनों की शादी करा दूंगा, यही एक तरीका है। पिताजी, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मेरे कहने के मुताबिक तुम शादी के लिए राजी हो गई हो मेरी बेटी। मैं ऐसा कहकर उन्हें समझा दूंगा कि तुम इससे शादी करना चाहती हो। मैं देख लूंगा सब, यही मेरा फैसला होगा। छोड़ के जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पिताजी। यहाँ लोगों का चेहरा देखने और उनके सवालों के जवाब देने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कितना हुआ? 50 रुपए सर। ये लो। अरे सूटकेस में उठा देता। हाय रामू। सुनो ज्योति। हे राम, दिस इज वेरी बैड। तुम चुपचाप से जाकर हनीमून मनाकर आ रहे हो अभी? विल टॉक टू यू लेटर। अरे आने के रास्ते पर ये क्या रखा है? अरे वो जो मर गया है ना, उसके लिए रखा है यहाँ पे, वो बी फ्लैट वाला। ये अच्छा है क्या, आने के रास्ते पर ये सब रखा हुआ है? अरे यही बात तो सब लोग पूछ रहे हैं सुबह से, अगर निकालोगे तो हिंदी वाला मारेगा। मैं निकालता हूँ। ओह आने की जरूरत नहीं है,
भूख लगी होगी, रात से कुछ खाया नहीं होगा। कुछ बनाने के लिए सोचेंगे तो टाइम लगेगा ना। कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर कुछ ले आता हूँ। इतने में ज्योति तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ ले आता हूँ। मैं जल्दी आता हूँ। अरे रवा था ना। वैसे ज्योति तुमने यहाँ का पोंगल नहीं खाया होगा ना। पोंगल और वड़ा ले आया हूँ मैं। अरे एक ही है दोनों, पोंगल उपमा दोनों एक जैसा ही है। मैं भी लेता हूँ, मैं भी थोड़ा उपमा खा लेता हूँ। टेस्ट जानना है तो थोड़ा सा खा लो तुम। अरे मैंने सोचा था कि कुछ बचा रहेगा तो मैं भी खा लूंगा। अच्छा है, खा लो तुम। लंच यहीं बनाएंगे या फिर बाहर से कुछ मंगाएंगे? जैसा तुम बोलो। ज्योति, ट्रेन से लेकर अब तक तुम कुछ भी नहीं बोली हो। अगर गुस्सा हो तो बात करो मुझसे। अगर तुम गुस्से में भी बात करना चाहती हो तो बात करो मुझसे। शादी करके लेकर आने का मन नहीं किया मुझे। पॉल भाई ने एक बात बताई मुझे, मैंने सोचा वो ठीक रहेगा। हमारे बीच में पहले जैसी दोस्ती भी रहेगी तो भी चलेगा, बस तुम बात करो मुझसे। लेकिन इस तरह चुप रहने से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवद गीता की बात करके, जैसे उसमें लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होने वाला होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। हम इंसान क्या कर सकते हैं, सब भगवान के हाथ में होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लोगों के सामने अपमानित होना, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आना, अगर ये सब भगवान का ही फैसला है तो उस भगवान के बारे में बातें मत करो। हेलो रामू, आ गया ना। मैंने कई बार फोन किया था, वैसे आज ही आए हो क्या? अरे मुझे फंसाकर तुम कहाँ गायब हो गए हो? मुझे क्या तकलीफ हो रही है पता है? क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब? इसका मतलब अरे वो फ्लैट की बात छोड़ दो, पहले वो लिंडल के बारे में बात करो। लिंडल? समझ में नहीं आया? हाँ। अरे नई नई गाय रहेगी तो थोड़े दिन तो लात मारेगी ही ना, उसे अपने दिल पर मत लेना, थोड़ा थोड़ा लाइन पर लाओ। मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ो, इधर दो। अरे रोल्स रॉय कार हो या कोई भी हो, थोड़ा तो झटका खाएगी ना। अरे ये बस कार नहीं है, अक्कल देने वाली लड़की है, उसके बाप को हार्ट अटैक आया है, फिर भी वो इधर आई ना। अरे हम लोगों ने जानबूझकर सबके सामने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा सोच रही है वो लड़की। तो तुम एक काम करो, उसे जाके डराओ। यही एक रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे प्यार करते हो, ये मैं दारू पीने के बाद बक दिया तो वो लड़की तुम्हें मिल गई, शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उससे झगड़ रहे हो। कुछ भी बोलो लेकिन ज्योति के बारे में इस तरह बात मत करो। अरे छोड़ो, मैं क्या ज्योति को पकड़ के रखा हूँ? क्या छोड़ो, तेरे लिए तो तेरी बीवी है, मेरे लिए कौन है? इस पॉल को धमकी मत देना बेटा, समझ गया? आइंदा से समझ। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग अंकल। अंकल मुझे आपको एक बात बतानी है। कुछ मत बोलना, तुम क्या बोलने वाली हो, किसके बारे में बोलने वाली हो पता है? सुनो तो। ए राम रुको। अरे रुको। हा? तो राम डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। नहीं नहीं रहने दो। नहीं नहीं ये लास्ट डेट है। अरे मुझे जाना है, लेट हो रहा है मुझे। अरे सुनो ज्योति। हाँ गाड़ी स्टार्ट करो। अरे अरे क्लच से पैर निकालते वक्त धीरे से निकालो, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, कुछ समझे? उसके बाद धीरे से एक्सलेटर देना है। हाँ अब सीधे लोड लेकर चलाओ। मास्टर ये क्लच और एक्सीलेटर एक साथ दब गया तो क्या होगा? कार को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो दांत फिट करके रखे हो ना तुम, वो चला जाएगा। हाँ
स्पीड चलाओ, स्पीड चलाओ। अरे अच्छे से घुमाओ, स्पीड चलाओ, स्पीड 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 घुमाओ। अरे क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, गियर बदलो, गियर बदलो, गियर बदलो। हाँ चलो, हाँ स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, सीधा चलाओ, सीधा चलाओ। हाँ अरे ब्रेक, हाँ चलो एक्सेलेटर दो। हाँ चलो स्पीड स्पीड स्पीड। हाँ अरे ठीक से स्टीयरिंग तो पकड़ो। अरे गियर बदलो, क्लच दबाओ, क्लच का क्लच। अरे हाँ अरे दबा दबा। हाँ हाँ चलो 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 सीधा चलो, सीधा चलो। अरे वाह, अरे कहाँ लेकर आ गए मेरे बाप। ओहे भगवान, मेरी माँ। ये तो सिर्फ ब्याज है, मुद्दल तो बाद में मिलेगा। जो तुम बोल रही हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शायद दर्द की वजह से। इसी तरह एक शख्स कहीं दूर अस्पताल में इससे भी ज्यादा दर्द में तड़प रहे हैं। जानते हो, अपनी बेटी के अपमान की वजह से लोगों के सामने अपना सर झुकाकर एक बाप जिस दर्द में है, वो दर्द तुम समझ ही नहीं सकते। इस तरह बेटियों की जो परिस्थिति होती है, उस दर्द को तो आप कभी समझ ही नहीं सकते। इसे जानने के लिए इंसानियत होनी जरूरी है, वो तुम में नहीं है। नल्ला कहाँ है? मैं आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं खाना लेने गया था। अरे अब क्या खाऊंगा मैं, पेट तो पहले से ही भर गया है मेरा, अगले एक महीने तक खाना नहीं चाहिए मुझे। तो फिर इस खाने को मैं खा लूं क्या? तुम इधर आओ, पास आओ, कान दो, जाओ यहाँ से। ज्योति, there's somebody to see you. See me? Yeah. Congratulations for happy married life, Mrs. Ramanuj. जो, excuse me, ज्योति तुम वहाँ नहीं आई तो इसलिए सब लोग यहाँ पर आ गए। जो लड्डू तुमने भिजवाए थे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ज्योति तुमने जो लड्डू भेजे थे मैंने सब में बांट दिए। लड्डू के लिए नजरअंदाज नहीं करना, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। बाय द वे, ये हमारे जीएम है मिस्टर कार्तिक। हेलो, ये पियून मिस्टर शिवम, ये सुरेश है, ये रमेश है, ये प्रेम है, ये सुधांशु है, ये और भी है, सब लोग ऊपर है। इतना बगल में रहकर भी तुम लोग आपस में कितना प्यार करते हो, और इस बात की हम लोग को खबर तक नहीं है, कितनी आश्चर्य की बात है। एंड कीप मैनर्स, ये प्यार करने के बारे में बात करने का वक्त थोड़ी ना। सॉरी मिसेज रामानुज, बाय द वे कर्नल विश्वनाथ 1975 में वेलिंगटन में सर्विस दे रहे थे, मैं भी उनके साथ सर्विस में था। वो तो नहीं थे। तो फिर मैंने जो सोचा था वो आदमी नहीं थे। किसने सोचा था? अच्छा ज्योति, पार्टी दो, ऐसा सब लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा पार्टी दे ही देते हैं हम लोग, नहीं फ्लैट में दे देंगे। शादी में नहीं बुलाया इसीलिए तुम लोगों पे फाइन है। मेरा मतलब मिसेज रामानुज चाहे या ना चाहे, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ पीने के लिए जरूर देना पड़ेगा। कान के ऊपर कुछ था। सर आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। ज्योति तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। अरे अब बेकार से फ्लैट में थोड़ी ना सबको इनवाइट करेंगे। अभी जाकर सारा सामान बिखरा हुआ ठीक कर देता हूँ, चाहिए तो स्वीट भी लेकर आता हूँ। मेरी बात समझा करो राम। सर सब कुछ अरेंज करके मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो चलेगा, लेट अस नॉट वेस्ट अ प्रेशियस टाइम्स, कम ऑन बॉयज, गेट बैक टू वर्क, कम ऑन कम ऑन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राम, वन मिनट। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस अच्छी बात नहीं। पॉल भाई रहने दो। पॉल भाई कहा ना रहने दो। तुम कुछ भी कर लो, इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा मैं। फिर मैं किससे मदद मांगूंगा? ये तो मुसीबत की बात है, जब तुमने मंगलसूत्र पहना दिया है उसके गले में, तो अब वो तुम्हारी बीवी है। अब मियाँ बीवी आपस में सुलझाओ। वो कैसे? अरे जितनी जल्दी तुम्हारी औलाद हो जाएगी बात सुलझ जाएगी। अरे पॉल भाई वो हॉल में सो रही है, मैं बेडरूम में सो रहा हूँ, तो बच्चा कैसे होगा? अरे उसके लिए थोड़ा तंत्र का उपाय करना चाहिए, उसको जाल में फंसाने की सोचो। अरे तुम जाओ अभी, उससे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अरे तुम मुझे मारने के लिए क्यों तुले हुए हो? अब तुम स्टीयरिंग छोड़ो, तुम्हारी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ मैं, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी और तुम देख के सीखो, आओ। पॉल भाई मेरा मतलब, सुनो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस मामले में मुझे तकलीफ देने के लिए मत आना,
सबको ड्राइविंग सिखाते सिखाते मेरा पूरा जन्म निकल गया। पॉल भाई, पॉल भाई, पॉल भाई, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। यस, आई एम पुशिंग ऑफ यार। ओके, कॉल यू लेटर। ज्योति, यहाँ थोड़ा भी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है लगता है। अरे मेरा भी ऐसे ही है, अभी मुझे जीएम ने बुलाकर कहा कि तुम्हें गोवर्धन जाना है। अरे पूरा काम मेरे पर पड़ा है ना, मैंने कहा ज्योति फ्लैट में अकेली नहीं रहेगी, लेकिन वो इंसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्योति वैसे तुम डरोगी तो नहीं ना वहाँ? डरने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे अगल बगल फ्लैट में तो लोग रहते ही हैं। तो आज बुधवार कल शुक्रवार को मैं आ जाऊंगा। वैसे क्यों वापस आना है, वहीं ठहर जाओ ना गोवर्धन में। सॉरी। ओके ज्योति, मेरी समझ में आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना तुम। बीच में कोई भी अगर पूछेगा तो जगह भूलना नहीं, गोवर्धन। कमाल है। वॉचमैन, वॉचमैन जल्दी आओ। वॉचमैन, लो आ गया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में है। कौन है? नहीं पता। अच्छा किया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? बेडरूम के कर्टन के पीछे एक चोर है। चोर? मुझे जाकर देखना होगा। कब देखोगे? जब वो चला जाएगा। क्यों? जब देखो एक्टिंग एक्टिंग करते रहते हो, जाके पकड़ो उसे। अरे नाम भी यार, जल्दी से जाकर चोर को पकड़ कर लाओ, जल्दी करो। ओए तेरी, ओए की होया है? चोर, चोर। ओए, अरे चिल्लाओ मत, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ ओए देखो उधर उस कॉटन के पीछे। सब लोग जाकर देखते हैं। नाम यार तुम वॉचमैन हो ना? ओए जाना जा। अरे यहाँ नहीं है। पर मैंने उसे वहीं देखा तो था। देखना चाहिए ना। अरे तुम लोग सब बाहर निकलो। नहीं नीचे देखो, नीचे नीचे से आवाज आ रही है। हाँ, नीचे देखो। नीचे नीचे तुम लोग बाहर जाओ। ओए कौन है थे? बाहर निकल। ओ तेरी तो बाहर। ओ मारो साले ने। ओ कुट्टो एनु। ओ कौन है तू? बस करो बस करो। मैं हूँ, मैं हूँ, मुझे मत मारो। हाँ? मुझे मत मारो। ओ रामू तू है? हाँ मैं रामू। ओ यार अरे मेरी घड़ी नीचे गिर गई थी ना, वही ढूंढ रहा था मैं। अरे घड़ी घूम गई थी ना, तो वॉचमैन को बुलाना चाहिए था ना, मैं वॉचमैन हूँ ना। क्या बेटी हस्बैंड को चोर बोल रही हो? चलो चलो। ये अंदर की चलो, बात चलो, है चलो, यार चलो। ओ आओ यारो। गोवर्धन की बस निकल गई थी ना। मैं एक बात बोलना चाहता था। क्या है? आज भी गोवर्धन जाना है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने अम्मा को फोन किया था। अम्मा मतलब जयललिता? मेरी माँ का नाम भारती है। सच बोलूंगा तो फोन पे रोने वाली मेरी माँ को अपने शादी के बारे में नहीं बताया था ना मैंने। किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी हो यही इच्छा होती है ना, वैसे हर माँ की यही इच्छा होती है। मुझे क्या पता, मेरी माँ के मरने के बाद इस तरह की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मेरे पिताजी की परिस्थिति तो आपने सामने से देखी है ना? किसी पर इल्जाम लगाने के लिए, किसी को गुनहगार बनाने के लिए तो नहीं कहा था ना? वैसे कोई आएगा तो भी दिखाने के लिए शादी की फोटो तक नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास सॉरी, इसलिए मैं शाम को ज्योति तुम्हारे ऑफिस में आ जाता हूँ। वहाँ से हम जुपिटर स्टूडियो जाएंगे, वहाँ एक मलयाली रहता है, मेरे पहचान वाला है, वहाँ हम शादी की
फोटो खिंचवा लेते हैं। इस बात को बिना कुछ बोले प्लीज मान लो। मुझे जरा सोचना है। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, एक मिनट का तो काम है। छिक छिक, काम खत्म। शाम होने में अभी बहुत वक्त है। ओके ज्योति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ए, वो मैं कितनी देर तक जुपिटर स्टूडियो में वेट कर रहा था, वो लोग तुरंत कॉपी देने की बात कर रहे थे। अगर मिल जाता तो आज ही कुरियर से भेज देता ना। वैसे ज्योति, ऑफिस से तुम आज जल्दी आ गई ना? क्या कहा? मैंने बोला ऑफिस से जल्दी आ गई ना तुम? हाँ मैं जल्दी आ गई, और मैंने फोटो भी ले ली है। फोटो? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब बोलने वाला कलाकार है ना, हर कलाकार को कन्वे करके शादी की बात आई तो मेरे अंदर दिलचस्पी जगी, इसलिए स्टूडियो चली गई। वही स्टूडियो जिसके बारे में तुमने बताया था। ये लो देखो। तबेले में रहने वाली भैंस को संभालने के लिए दूसरे भैंस की जरूरत नहीं है, है ना? फिल्मों में जानवरों के बीच भी कंपटीशन रखते हैं, ये शायद तुम्हें पता नहीं। फालतू के कॉमेडी सुनकर एक जमाने में मैं भी हंसा करती थी। मैंने सुना शादी हो गई, गोपी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। रामू, तुम्हारी माँ ने एक बीघा जमीन भी नहीं दी, मगर मैं तुम्हारे लिए मंदिर गया था और वहाँ पर तुम्हारे नाम से प्रार्थना किया था। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो गांव से ही फोन करके बताना चाहिए था ना, इस तरह आने की क्या जरूरत। मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं था ना, वहाँ से पूछना था। अरे उसने थोड़ी सी जमीन नहीं दी, वो फोन नंबर क्या देगी? 5272545 ये मेरा फोन नंबर है। गांव जाओ और वहाँ जाकर मुझे फोन करो। रामू रामू, थोड़ा सा तो तरस खाओ हमारे ऊपर। कई क्षेत्र घूम के श्रद्धांजलि दे के कितना तकलीफ उठाया हूँ मैं। क्षेत्र और श्रद्धांजलि गई भाड़ में। मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी कंपनी तनख्वाह नहीं देती। तुम्हारा काम खत्म होने तक मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहूंगा। जीएम का पैर खींच कर गिराने के लिए? गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये है मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। बेटा जमीन खरीदने के लिए तुम्हें मुझे 25,000 रुपए देने ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे 25,000 होगा तो भी नहीं तुम्हें दूंगा, समझ गए? अपने सगे पिताजी को जेल में डाल दिया और यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। रामू, जाने को कहा है। बेटा तुमने जो खत लिखा उसके बाद मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। वही ठीक रहेगा। शिवा, इस आदमी को ऑफिस के अंदर पैर मत रखना। अरे तो वही पहले वाला आदमी ना, सुना नहीं सर ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। निकल बे, निकल। बेटी ज्योति, कैसे पहचाना ये सोच रही हो ना? मेरे रामू के फ्लैट में उसकी बीबी के अलावा और कौन हो सकता है? गांव में मुझे न्यूज मिल गई थी, पहचाना क्या? रामू के मामा का बेटा गोपी भाई। मिलकर बहुत खुशी हुई। मंदिर गया था कि तुम खुश रहो। मंदिर जाके दिल से प्रार्थना करके आया हूं तुम्हारे लिए, ये लो प्रसाद। रामू गोपी के लिए जान से भी ज्यादा है, मेरे गोद में खेल कर ही बड़ा हुआ है वो। मैं उसे ऑफिस में मिलने गया था, उसने कहा कि तुम मुझे 16,000 रुपए दोगी। मेरा बाप मर गया, उसकी अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं उसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? पिताजी मर गए? मेरे बताने के बाद रामू को पता चला। पापा तो पहले दुश्मन थे ना? अरे रामू ने बताया क्या? वो क्या है, मेरा बाप मर गया, क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा ना। रामू से पैसे ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी रामू के पास नहीं है। बेटी तुम्हारे पास जेवर वगैरह होगा ना, वो दे दो मुझे, मैं बेच लूंगा। अभी आप बाहर जाओ, रामू के आने के बाद अंदर आना। उसके आने से पहले मुझे जाना है। पहले आप बाहर जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? क्या हो गया ज्योति? पकड़ो गोपी। अरे अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ गोपी भाई?
अरे कहाँ भाग रहा है, रुक रुक रुक, मार डालूंगा तुझे, अभी आया तेरे पास। बैठो, थोड़े दिन के लिए कंप्लीट रेस्ट लेना होगा, हाथ में फ्रैक्चर है, कम से कम 1 वीक के लिए हाथ नीचे नहीं उतारने देना। भर्ती होना पड़ेगा क्या डॉक्टर? उसकी जरूरत नहीं है, गले के पीछे स्वेलिंग है, दिन में 2-3 बार उस जगह पर भाप दीजिए, बस इतना काफी है। उठो उठो। किस लिए? गले में भाप देना है ना। अभी दर्द नहीं है, डॉक्टर ने कहा था ना। दर्द है ऐसा? भाप देने के लिए। दर्द होगा तो मैं बताऊंगी। मेरी बात मानो ज्योति, थोड़ा साइड हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी बाहें पकड़ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे लिए जो गुस्सा है उसको बदलो मत। ऐसा सोचो कि मरीज के इलाज के लिए नर्स आई है। प्लीज सॉरी, थोड़ा कॉलर नीचे करो। सॉरी, गरम ज्यादा है ना, थोड़ा इसे ठंडा कर लेता हूँ। राम तुम नहा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहा चुका, धो रहा हूं। नहीं, अभी आता हूं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। अरे 2 दिन रेस्ट लेके जाना चाहिए ना। जब हम हॉस्पिटल गए थे तभी ऑटो में गए थे, और वहां से वापस भी ऑटो में आए। वहां गए थे टैक्सी में। ओह, वो याद नहीं है। डॉक्टर और हॉस्पिटल का कुल खर्चा कितना हुआ होगा मुझे बता देना। बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ज्योति रखो, किराए के साथ में है, ज्यादा होगा तो बता देना और कम होगा तो भी बता देना। पांडियन सर, मंथ के एंड तक काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीएम आएगा। हो जाएगा सर, ए जल्दी करो। सर। यस जीएम ऑनलाइन। ओ सर। रामू, गांव से तुम्हारे लिए फोन आया था, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। मैं डिटेल्स पूछ नहीं सका था, कॉल कट गया था। अगर वहां कोई एसटीडी बूथ है तो तुम तुरंत कॉल कर लो। ज्योति, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं? मुझे आए 15 मिनट हो चुके हैं। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, अगर कोई बात है तो लंच टाइम में कैंटीन में मिलो। एक मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। बताया ना, बिटवीन ऑन टाइम वही लंच टाइम। माँ की बीपी बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है, सर और पैर पर चोट लगी है, ब्लड क्लॉट हुआ है, आईसीयू में है। बीच में होश आया तुम उससे मिलना चाहती है कहा? शाम की ट्रेन से हम दोनों को गांव जाना है, 7 बजे की ट्रेन है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं जानता हूँ यहाँ ट्रैफिक बहुत है, एक काम करो, पैकिंग मैंने कर दी है, तुम सिर्फ ड्रेस चेंज करो। मैं नहीं आ रही हूँ। अरे हम दोनों की टिकट ले आया हूँ। जाते जाते मेरा टिकट कैंसिल कर देना। ज्योति, माँ आईसीयू में है, अगर माँ पूछेगी कि ज्योति कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा? झूठ बोल के बातों को संभालना तुम्हारे पास काफी हुनर है। मेहरबानी करके इस वक्त इस तरह झगड़ा मत करो, मैं और मेरी माँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है क्या? यही सोचकर तो तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर रही हूँ,
यहाँ पे हम जो भी नाटक रोज करते हैं वो नाटक दोबारा दोहराने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ज्योति, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। ज्योति, अगर तुम्हें सच में गलती का एहसास है तो मेरी जगह आकर सोचो। मैं सोचकर ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने एक गलती की है। तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुमसे प्यार करने की हिम्मत की है। उसी गलती की सजा आज तक तुम दे रही हो मुझे। इंसान को परखने में मुझसे एक बार गलती हो गई। जब तुमने मेरे प्रति प्यार दिखाया तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं है, लेकिन और मर्दों की तरह सहारा देने के बहाने तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। राम मेरा पति है, इसका विश्वास अब मुझे नहीं हो रहा है। ये मेरी गलती है क्या? ट्रेन छूट जाएगी, बाकी बातें हम वापस आने के बाद कर सकते हैं ना ज्योति। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मास्टर, एक बार मुझे और मौका दे। मेरे प्यारे शंकर नायर, 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हें कार चलाना नहीं सिखाऊंगा। मेरे शरीर के सारे पुर्जे हिल चुके हैं। जाओ भाई जाओ। ब्रेक दबाने के समय एक्सीलेटर नहीं दबाना, ये मैं समझ गया। अरे समझ में आ गया तो कहीं जाकर सीखो। ये तुम्हारे गुरु की इच्छा है, जाओ। नल्ला कहाँ है? क्या है? इस बुड्ढे को यहाँ से हटाओ और इस जगह को पानी छिड़क कर शुद्ध करो। मास्टर मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हेलो वेरोनिका ड्राइविंग स्कूल। अरे रामू, तुम गांव से कब आए? क्या गांव से बोल रहे हो? हमेशा की तरह माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कंटिन्यू द कॉपी। यस मैम। रामू का कोई फोन आया है क्या? क्यों, मुझे क्यों आएगा? नहीं, बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। उसने मुझे किया था, बता रहा था कि वह गांव में खुश है। उसकी माँ मर गई, उसके कहने पर मैं यहाँ नहीं आया हूँ। उसकी माँ की मौत से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। सुनिए, वो इतनी सीरियस थी, मैं नहीं जानती थी। अगर पता होता तो क्या उसकी माँ की मौत को रोक लेती? वैसे भी गाँव में कौन कैसा है ये जानने के लिए हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि है क्या? हमारे पास पैर है लेकिन जाने का मन नहीं है। वो तो साजिश करने वाला हैवान है ना? तुम उसको कुछ दिनों से ही जानती हो, लेकिन मैं उसको सालों से जानता हूँ। भले ही तुम 100 साल तपस्या कर लो, लेकिन उसके जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे दिल में हमदर्दी है तो उसकी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेना। अरे सर, कहाँ थे इतने दिन तक? मैंने पूछा मैडम से, लेकिन मैडम ने कहा कि पता नहीं, भले ही आप नहीं थे लेकिन फ्लैट का काम सारा मैं संभाल रहा था। कोई खास काम था सर? एक छोटा सा खास काम था। क्या? मेरी माँ मर गई। सर में दर्द था, बाथरूम में फिसल कर गिर गई। ये कहकर मुझे अब गांव नहीं जाना पड़ेगा। किसी ने बताया नहीं? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सबको अपना दुख सुनाने और लोगों की सहानुभूति पाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। नुकसान तो मेरा हुआ है ना। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तब मुझे याद आया रेंट देने की डेट निकल गई। कोई आया था क्या? मैंने दे दिया। चलो अच्छा हुआ।
राम। हाँ। I'm really sorry। अरे ये सॉरी किस लिए अब वापस? माँ इतनी क्रिटिकल स्टेज में है, मुझे पता नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था मेरे पहुंचने से पहले मेरी माँ की मौत हो जाएगी। चलो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, मुझसे मिलती तो मेरे बीवी के बारे में पूछती, और अगर सच सुनती तो उसको बहुत बड़ा सदमा होता। अभी हम उस परिस्थिति से तो बच गए ना। अगर ऑफिस जाना है तो ज्यादा सोचो मत। हेलो, पुट मी टू द रामनाथन प्लीज। हेलो सर, दिस इज ज्योति मेनन। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम अफेक्ट, आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुमने छुट्टी क्यों ली? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हेलो सर, पार्टी देने के बात करके हम सबको धोखा दिया। शट अप बेवकूफ कहीं का, सिट डाउन। राम की माँ की मौत हुई है, इस बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे माँ तो अभी मरी है ना सर, उसके पहले पार्टी देने के लिए तो बहुत समय। गेट आउट। हम लोग सुबह एक साथ आए थे इसलिए। इज इट? तो फिर रामू कहाँ है? मैंने सोचा कि वो यहाँ आया होगा। उसने कुछ बताया नहीं क्या? ही इज लिटिल डिस्टर्ब फॉर हिज मदर। कौन है आधी रात को? रुको आता हूँ। अरे परेशान मत करो। हाँ हाँ क्या बात है? हाँ क्या काम है? राम यहाँ आया था क्या? राम नहीं है, रम है। रम पिया है मैंने, रम रम। इतना समय हो गया है, राम अब तक घर नहीं आया, ऑफिस में भी नहीं था। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। हाँ डरने की क्या बात है, जाकर अपना काम देखो। आधी रात को इंसान को जगाकर परेशान करती हो, राम नहीं आए राम नहीं आए से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मर भी गया तो तुम्हें क्या नुकसान है? तुम्हारा क्या लगता है? वो कुछ नहीं लगता है। जाओ 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 यहाँ से, चले जाओ। प्लीज गेट आउट। गाड़ी फेल करके मुझे परेशान करते हो। मर्दों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए तुमने औरत जात को पैदा करके रखा है क्या? हाँ उसने मेरे रामों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अरे वो तो एक मासूम है, मासूम है बेचारा वो। क्यों किया भगवान तुमने ऐसा? What happened, ma'am? Nothing. Not in good mood. You please carry on. Hello? No, he's not here. पता नहीं।
राम तुम कहाँ थे? जाने से पहले एक बार बता के जाना चाहिए था। मैं यहाँ अकेले परेशान हो रही थी, पता है? मेरे ऊपर जो भी गुस्सा है ऐसे उतारा तुमने। तुम्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया? तुम्हारे जाने के बाद मैं ठीक से सोए भी नहीं, पता है तुम्हें? कल है सितंबर 21, बर्थडे के लिए तुम्हें गिफ्ट चाहिए था, तुमने बोला था। जानती हो वो बात अभी भी नहीं भूला हूं मैं। आइए, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। हेलो ज्योति। हेलो। अंदर बैठते। मैं जब यहां से जा रहा था तो मुझे लगा कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं होता ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त ही लग गया। ज्योति, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, अगर गलती हो गई तो उसे जल्दी भूल जाना चाहिए। मैंने जो गलती की है उसे मैं खुद सुधारना चाहता हूँ। इनसे मिलने के लिए मैं बैंगलोर गया था। हम दोनों ट्रेन में इत्तेफाक से मिले थे। ये सारा मामला मैंने प्रदीप को बता दिया था। शादी से पहले हम अच्छे दोस्त की तरह थे, शादी के बाद नेक दिल लोग दिल का हाल समझ लेते हैं। ज्योति, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा इंसान आ रहा है। तुम खुश रहो दोनों। जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, ये आज साबित हो गया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनकी क्या गलती है ज्योति, एक बार मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बहुत अंधविश्वासी ना तुम्हारा आदमी, सही कहा ना? एक साथ रह रहे हैं ये सोचकर दुनिया जुड़ जाएगी, ऐसा सोच रहा था ना? रामू को धोखेबाज मत समझो। ऐसे माहौल में ज्योति, रामू ने तुमसे शादी की क्योंकि ये एक नेक दिल और सच्चा इंसान है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिसकी उम्मीद नहीं थी उसको देखकर थोड़ा शॉक हो गई ना। इट्स ऑल राइट। ये लो, मैं जहाँ रुका हूँ ये उस होटल का नंबर है, फोन कर लेना। ज्योति, अगर तुम्हें सही लगा तो हम कल सुबह की फ्लाइट से गाँव चले जाएंगे, ओके? बाद में मैं घर वालों को सब समझा दूंगा। लोगों को जमा करना, मुहूर्त निकलना, अब ये सब नहीं चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं, हमें पता चल गया है ना। अरे रिलैक्स, कल मिलेंगे, ओके? अब जाकर मुझे सुकून मिला है। दिल में एक भारी बोझ सा था। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया था। ज्योति, मुझे इस बात के लिए माफ करना। प्रदीप बहुत अच्छा इंसान है, प्यार करने के लायक है, और इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। ज्योति, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, अभी एक स्पेशल ट्रेन है, टिकट मिली तो ठीक है, नहीं तो बस से चला जाऊंगा। मैं गांव जा रहा हूं, मैं लौटकर वापस नहीं आऊंगा। माँ ने गांव में मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जाते समय चाबी नाम्बियर के हाथ में दे देना, बाकी सब पॉल भाई देख लेंगे। मुझे पहले की तरह एक दोस्त की नजर से ही देखना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है, कहो तो छाता लेकर आऊं। नहीं, मैं जाकर ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। Thank you.
ज्योति, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ रामू? ज्योति, ज्योति, दरवाजा खोलो ज्योति। बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर इंतजार करूंगा तो बस ट्रेन छूट जाएगी। अब दरवाजा बंद कर लो। ज्योति, ज्योति, अरे बाप रे, ज्योति ये क्या है? ज्योति, किस लिए ये सब किया ज्योति? बताओ ये सब किस लिए ज्योति? मुझे लगा मैं अकेले पड़ गई हूँ। राम, तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है अचानक सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है। नहीं, ऐसे हाथ से छूटकर कुछ नहीं जा रहा है।